सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद कैश क्रॉप फार्मिंग और उसके बाद लाइव स्टॉक फार्मिंग। शुरू से देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री समझ में आता है आप लोग को क्या होता है। सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री की अगर आप बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल मतलब नेचुरल रिसोर्सेस से, नेचुरल रिसोर्सेस से कुछ अखज करना, जैसे पहाड़ से लाइमस्टोन निकालना, आयरन ओर निकालना जिसमें से लोहा बनता है, स्टील बनता है, समंदर से फिश निकालना, दरिया से फिश निकालना, दरख्त तो दरख्त काटना, फार्मिंग करना, ये सब कुछ प्राइमरी सेक्टर है। गाँव से मिल्किंग करना, मिसाल के तौर पे कॉटन उगाया, कपास उर्दू में कहते हैं, वो कॉटन सीड डाले, कॉटन उगा, उसको अलग किया और उसके बाद उस कॉटन को दिया किसी ऐसे बिजनेस के अंदर जो कि उस कॉटन से यार्न बनाता है। फिर वो यार्न समझ लो धागे होते हैं, पतले पतले धागे से होते हैं, उस यार्न से फैब्रिक बनता है कपड़ा, ठीक है, और उस कपड़े से फिर सिला हुआ कपड़ा बनता है, स्टिच्ड कपड़ा बनता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, आपके जो है ना कॉटन, यार्न, फैब्रिक और क्लोथ। अब वो क्लोथ मैन्युफैक्चर हो गया ना, वो क्लोथ बना बनाया बिकेगा रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। अब रिटेल इंडस्ट्री जो है बनी बनाई चीज को बेच रहा है, तो एक तरह से सर्विस दे रहा है, ठीक है। कभी ये ना हुआ करे ना रेड मार्क तो देख लिया करो, मुझे बता दिया करो, पहले टेंशन नहीं खोला। तो सर्वे, ये सर्विसिंग सेक्टर है, बीच में जितना भी है सारा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस भी हो सकता है, हो सकता है एक बिजनेस हो खाली जो कॉटन से यार्न बना रहा है और यार्न बना के सेल आउट कर, और वो दूसरा बिजनेस हो जो यार्न लेके फैब्रिक बना रहे, कपड़ा बना रहे। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्टर के, सही है। जब तक ये बनी बनाई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे ना तब तक ये सब सेकेंडरी। फिर सर्विसिंग सेक्टर के अंदर और आ जाता है टीचिंग, बैंकिंग, ठीक है, किसी भी किस्म के कंसल्टेंसी सर्व, मिसाल तौर पर डॉक्टर्स उनको कंसल्ट करते हैं हम जाकर, कोई आर्किटेक्चर है उससे डिजाइन बना रहे बनवा रहे घर की, ठीक है, ये सारे टर्शियरी सेक्टर्स में आ जाते हैं। कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं अगर हम, ठीक है, ट्रैवल एजेंट्स है, इसी तरह टूरिज्म है, सब मतलब टूरिज्म के अंदर गाइड करते हैं, गाइड बनते हैं, सर्विस देते हैं, तो इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर बनवा लिया, ये सारे टर्शियरी सेक्टर के बिजनेस कहलाते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री में आता है, नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ अखज करना। एग्रीकल्चर इज कंसर्न इज प्राइमरी इंडस्ट्री इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री कंसर्न विद ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड फॉर इमीडिएट कंजम्पशन एंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। या तो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको खर्च किया जाए या फिर उनको फर्दर प्रोसेस किया जाए, इसलिए होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। अच्छा, एग्रीकल्चरल आउटपुट जो हम कहें वो तो जमीन से निकला है, कुछ भी उसके अंदर क्या इनपुट, क्या क्या कुछ नहीं इनपुट करते हम जमीन में। जमीन में चीजें लगती है, आपके ख्याल में क्या क्या लगती है कि एग्रीकल्चर मिलता है हमें? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पानी, ट्रैक्टर लगता है और ह्यूमन एफर्ट्स लगती है, सही है, ये सारी चीजें, सॉइल लगता है, ये सारे इनपुट्स है। तो नेचुरल इनपुट्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन इनपुट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनपुट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनपुट ये लिखे हुए, फिर वो प्रोसेसेस होते हैं, सारे इनपुट के प्रोसेसेस होते हैं, फिर वो आउटपुट्स निकलते हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। इनपुट्स के अंदर क्या है? लैंड, जमीन, जमीन की मट्टी, हर मट्टी में थोड़ी होता है एग्रीकल्चर, कुछ मट्टी में जान होती है उस तरह की, तभी जाके एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। बहुत किस्म की मतलब अभी आगे दो तीन एग्जाम की मट्टी देखेंगे हम। तो इसके अलावा क्लाइमेट, हमवार ऐसा क्लाइमेट हो तो जाके जाना उगती है कोई चीज। पानी, ये चारों चीजें क्या है? नेचुरल है। और ह्यूमन रिसोर्स जो लगते हैं उसमें क्या है? कैपिटल, मतलब इंसान अपनी जो भी रिसोर्सेज लगाता है पैसे के जरिए या कोई भी मशीनरी वगैरह लगा रहे हैं, तो कैपिटल, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, लेबर, खुद इंसान लग रहा है काम करने या मजदूरों को लगा रहे हैं, नॉलेज, एक्सपर्टीज, ये सब कुछ लगता है जमीन के ऊपर। फिर एक इंसान की खुद की ओनरशिप, देखो लैंड जमीन है कोई भी जमीन, लेकिन उसकी ओनरशिप एक इंसान को टाइटल देती है कि वही उगाए, तो लैंड में ही शामिल हो गई लैंड ओनरशिप। लेकिन इंसान का इसमें क्या किरदार है कुछ कोई एग्रीकल्चर में, क्या उसकी खुद की ओनरशिप है अगर किसी जगह की। फिर ट्रेडिशंस, कि ट्रेडिशनली एक रीच चली आ रही है कि ये किसान है सारे हमेशा से, तो वो उनकी किसान से किसान फैमिली फैमिली ट्रेडिशन चलता आ रहा है, तो वो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, तो ट्रेडिशन भी ह्यूमंस की तरफ से क्रिएट होता है एग्रीकल्चर। इरिगेशन, नेचुरल वाटर फ्लो ना हो तो फिर कैनाल्स बना बना के इरिगेट करते हैं जगह को, मतलब पानी देते हैं, कैनाल्स बना के देते हैं या कोई पाइपलाइन, मतलब कोई भी इंसानी बनी हुई मसनूआत के जरिए जो है ना आप पानी पहुंचाओ जमीन, चाहे वो पाइप्स के जरिए पहुंचाओ या वेल्स बना दो या कैनाल्स बना दो, ठीक है, और फिर कैनाल से फर्दर स्प्रिंकलर्स बना दो वगैरह वगैरह, पेस्टिसाइड्स। तो ये सारे हमारे इनपुट्स हैं जो ह्यूमन इनपुट्स होते हैं। ये क्या क्या है? ये हमारे मशीनरी, इस प्रोसेस देख लो, प्रोसेस के अंदर की ये डिटेल है। एग्रीकल्चर में प्रोसेस क्या है?
क्या समझ में आता है आपको वहां देखे बगैर बताओ कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज शामिल है। सबसे पहले जमीन को खोदते हैं, एक तरह का जमीन खोदता है, खोदा खड्डा कर दिया हमने, तो साफ करते हैं जमीन को, साफ करते हैं या खोदते हैं हमवार करने के लिए उसकी, ठीक है प्लोइंग कहलाती है वो, ठीक है वो करते हैं, और फिर फर्टाइल करते हैं, प्लो करने के बाद फर्टाइल करते हैं, चलो फर्टाइल भी करते हैं, दैट्स अ प्रोसेस, और सीड्स डालते हैं, पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वो उग रहे होते हैं पौधे, पौधे उगना शुरू होते हैं, तो उनके साथ जंगली पौधे भी उगते हैं जिन्हें हम कहते हैं वीड्स, क्या कहते हैं, तो वीड्स जो है उनको खत्म करते हैं, वीडिंग कहलाते हैं वो। तो यही पूरा प्रोसेस हम दिखाते हैं। और बाकी लाइव स्टॉक फार्मिंग में तो मिल्किंग करते हैं काउस की, ठीक है ब्रीडिंग करते हैं काउस की, ये पहला प्रोसेस है। क्या है ये क्या हो रहा है, प्लोइंग, PLOUGH, प्लो, ठीक है ये भी प्लो है और ये बराबर वाला भी प्लोइंग है, ये भी प्लो कर रहा है, बस फर्क ये है ये ट्रेडिशनल मेथड है एक फार्मर्स का अपना तरीकेकार, इसमें ज्यादा कैपिटल नहीं लगता, ज्यादा पैसा नहीं लगता, वही अगर बैल गाय अपनी पाली दी है उसके साथ एक है ना लकड़ी का प्लो लगा दिया है, ये इसका एग्जैक्टली लफ्ज क्या है मैं अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में, बाकी ये मशीन के जरिए हो रहा है, ट्रैक्टर के जरिए हो रहा है, ये हो गए जमीन को प्लो कर दिया। उसके बाद वाला स्टेप क्या है, सीड्स डालना, फिर अगला स्टेप पानी प्रोवाइड करना, उसके बाद क्या है ये फर्टिलाइजर्स, एग्जैक्टली फर्टाइल करने के लिए, ये क्या हो रहा है जबरदस्त वीडिंग, जंगली पौधे निकाले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है काटना, उग गया काट रहे हैं, ये किस कौन सा पौधा है, कॉटन, एग्जैक्टली ये कपास है, कपास की फसल है, तो ये उसको निकाल ले, इसको क्या कहते हैं काटने को, हार्वेस्टिंग, यस 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 हार्वेस्टिंग, ये क्या हो रहा है, ये कॉटन के नहीं है ये किसी और, ये वीट का है, ये वीट के स्टॉक्स है, स्टॉक या स्ट्रॉस कह लो, ये जो टिंके होते हैं पूरे पूरे, इसके साथ वीट लगाता है, गंदम लगाता है, तो ये गड्डी बना बना के उसको किसी चीज पे झाड़ते हैं, तो क्या होता है कि उसके स्टिक से जो गंदम लगी हुई होती है वो इस तरह से यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर जमा हो रही है सारी, ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है थ्रेशिंग, थ्रेशिंग सही है, अच्छा जी। उसके बाद थ्रेश हो गया, तो उसके बाद उस थ्रेश किए हुए को ऐसे भी कर सकते हो कि आपने थ्रेशिंग हाथ से की या मशीन से कर सकते हो, कि यहाँ से घास डाली एक तरफ से सारी, तो इस तरफ से सारा स्टॉक्स इनपुट हुए और यहाँ से उछल उछल के बाहर निकलने लग गए, ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपका स्टॉक अलग हो जाता है और गंदम अलग हो जाता है। थ्रेशिंग का एक बहुत तरीके होते हैं, एक तरीका ये भी होता है कि जानवरों को भगाया, किसी जगह बिछा के बहुत सारा जो है ना जो भी क्रॉप है उसको बिछा के उसके ऊपर जानवर भागना शुरू हो गए, तो जानवर भागना शुरू हो गए उसके बाद सारा वो पिक कर लिया, स्टॉक पिक कर लिया, तो उस पूरी जगह पर क्या रह जाता है जो भी हमें निकालना है, चाहे वो गंदम है, चाहे वो मतलब गंदम को कहते हैं वीट, वीट हो सकता है, बार्ले हो सकता है, ओट्स हो सकते हैं, ये अलग अलग किस्म के जो है ना सारे वो है, तो राइस भी हो सकता है। अच्छा ये जो है इसके ऊपर अभी हम आते हैं, ये प्रोसेस समझ लिया आपने, प्लोइंग, सोइंग, इरिगेटिंग, इरिगेट मतलब पानी देना, अभी हमने जो देखी थी वो इरिगेशन कैनाल्स के जरिए स्प्रिंकलर्स बंधे हुए थे, कैनाल्स जा रहे थे और स्प्रिंकलर्स थे उसमें जो पानी दे रहे थे, फर्टिलाइजिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, फिर मिल्किंग और ब्रीडिंग, ये काउस के हवाले से, लाइव स्टॉक फार्मिंग के हवाले से, इसका हमें आउटपुट क्या मिलता है, ये सब करने से क्रॉप्स मिलती है, वीट, राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, पल्सेस मिलती है बहुत किस्म की, क्लियर। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें लाइव स्टॉक फार्मिंग से जो मिलती है, मिल्क, एग्स, पोल्ट्री फार्मिंग से एग्स मिलते हैं, मीट, गोश्त, ठीक है ना, मीट में बीफ हो सकता है जो कि काउ का मीट होता है, मटन हो सकता है जो कि गोट्स का होता है, ठीक है। अच्छा उस इस सब का करते क्या है, खुद इस्तेमाल करते हैं फॉर होम यूज या फॉर सेल बेचते हैं या तो, ठीक है। अच्छा जी प्रॉफिट्स जो होते हैं उसका क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को कुछ प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं, कुछ और चीजों में फार्मर्स लगाते हैं प्रॉफिट, और बाकी प्रॉफिट इन्वेस्ट बैक करते हैं फार्मिंग के अंदर ही, कि अपनी और मशीनरी इंप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इस पूरे प्रोसेस में जितना भी प्रोसेस हमारा लगता है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट्स के भी फिर अपने यूजेस है, मिसाल के तौर पे काउज है, तो जितने कैटल है हमारे, जितने भी कैटल में सारे काउज बुल शामिल है, तो जितने भी कैटल है उनके वेस्ट, वेस्ट जो होता है जैसे हम मतलब उनके सॉलिड वेस्ट जो होता है उसे खाद बन सकते हैं, खाद मतलब मैन्योर, MNURE, मैन्योर, ये मैन्योर नहीं है, खाद की तस्वीर है नहीं मेरे पास लेकिन खाद की बता रहा हूँ स्पेलिंग, मैन्योर, MNURE, मैन्योर, ठीक है, तो खाद बन सकती है। इसके अलावा बायोमास गैस बन सकती है, बायोमास, बायोमास फ्यूल बन सकती है, बायोमास फ्यूल वो होती है जो कि फॉर एग्जाम्पल ये छिलके हैं इतने सारे, इन छिलकों के जरिए बायोमास फ्यूल बन सकती है, इन छिलकों से गाय के गोबर को मिलाकर या बहुत किस्म की ऐसी चीजें उनको मिला मिलाकर हम ऐसी फ्यूल बना सकते हैं जिसको जलाकर कुछ पका सके, ठीक है, तो वो बिल्कुल जाहिर है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल फ्यूल होती है, ठीक है, वो लाइफ से रिलेटेड होती है, ऑर्गेनिक मतलब जो कि नेचुरल प्रोसेस से रिलेटेड हो, बायो मतलब लाइफ से रिलेटेड हो, तो बायोमास गैस या बायोमास फ्यूल्स कौन सी होती है, जो कि हमारे लिविंग थिंग्स के किसी भी लिविंग थिंग्स की कोई फॉर्म है ना, जैसे कि पत्ते हैं,
पौधों के पत्ते झड़ जाए, सूखे पत्ते मिला लो, छिलके मिला लो, क्या कहते हैं शुगर केन का जो बचता है, शुगर केन का शुगर निकालने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है बगास कहलाता है, वो मिला लो, लाइव स्टॉक जितने भी कैटल्स हैं आप उनके मैन्योर को मिला लो, सब मिला के आप फ्यूल भी बना सकते हो, उसको जला भी सकते हो। तो इस तरह कोयला जला के कुछ आप जो है ना बना सकते हो, तो वैसे ही फ्यूल आप बना सकते हो। और उसके मैंने मिसाल आपको पावर रिसोर्सेज के चैप्टर में दी। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फीड एंड मैन्योर, एग्जाम्पल हस्क, हस्क वो होता है छिलका, चावल का छिलका, यह हस्क है। कॉटन मोलासेस, कॉटन सीड मोलासेस, अब ये जितने भी कॉटन सीड्स हैं जिसमें कॉटन निकलने के बाद जो बचता है, ठीक है, उससे आप कुछ बना सकते हो। इस तरह से मोलासेस जो है वो आई थिंक शुगर केन के अंदर से जब शुगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर मोलासेस बचता है, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो उससे कोई फर्दर यूजेस आप कर सकते हो चीजों के। बहरहाल यहाँ पर ये उसी चीज को बता रहा है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बता रहे, कह रहे प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं और बाय प्रोडक्ट्स, जैसे काउ डंग है, काउ डंग वही गाय की जो खाद वगैरह होती है, तो उसको जो है ना आप सुखा के उससे अलग अलग यूजेस में लेके आ सकते हो। शाफ, शाफ जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारा शाफ है, ठीक है, ये समझ लो छिलके नुमा या इस तरह जो फॉर एग्जाम्पल हमने राइस गंदम इनके जो छिलके वगैरह बच जाते हैं तो उनको फिर एक तरफ जमा कर लेते हैं, एक तरफ जमा करके मिट्टी से मिला के उनको कंप्रेस करके स्टोर कर लेते, इसको स्टोर करने के कर लेते हैं। उसके बाद इसका यूजेस अलग अलग होते हैं, जैसे कि इसका यूज होता है आपके कार्डबोर्ड बनते हैं इससे, कार्डबोर्ड अगर मैं दिखाऊं, शाफ से कार्डबोर्ड बने हुए यहाँ पर दिख नहीं रहा अभी, बड़े कंप्रेस से कार्डबोर्ड शीट्स होती है ये तो गत्ते हैं, लेकिन गत्ते भी बनते हैं, गत्ते भी बनते हैं डेफिनेटली इन्हीं चीजों से बनते हैं, ठीक है। इस तरह के जो बाय प्रोडक्ट्स है ना वो भी इस्तेमाल होते हैं, कहने का मकसद है छतें भरने में इस्तेमाल आते हैं बहुत सारे, जो पुराने गांव के घर है तो उनकी छतों को जो है ना उससे भर देते हैं, या फिर एनिमल्स जो बैठते हैं, अब एनिमल्स जो घास खाते हैं वो भी वीट होता है और गंदम खा लिया ऊपर से, या कुछ एनिमल्स पत्थर पे खा लेते हैं, डंडिया भी खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक जो है जो डंडिया बचती हैं उनको वो छोड़ देते, तो उससे फिर उनकी बेडिंग बनती है कि जिसपे वो बैठ सके, या कटी हुई घास से उनकी बेडिंग बनती है, कटे हुए जो भी जिससे जितनी भी क्रॉप्स हैं उसमें से काम की चीज निकाल ली, बीज निकाल ली, तो उसके बाद अगर एनिमल्स भी उसको नहीं खा रहे तो उनकी बेडिंग बन जाती है कि वहां बैठ सके, या फिर छज्जे बन जाते हैं उससे कि वो कूल रह सके सूरज की किरणों से। अच्छा जी, सो दिस वॉज अबाउट फार्मिंग, के आपका इनपुट और आउटपुट किस तरीके से होता है। अब इसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर रहते हुए हम ये जो यहाँ कवर कर रहे थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है स्मॉल स्केल, अपने घर का पूरा हो जाए उतनी फार्मिंग, ठीक है। स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्म्स प्रोड्यूस फूड एंड रॉ मटेरियल्स मेनली फॉर द पीपल हु वर्क ऑन देम, जो काम कर रहे हैं ना उस फार्म के अंदर बस वो अपने लिए पूरा कर ले इतनी फार्मिंग करें, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। बाकी इसके अलावा अगर उनको कोई बोनस मिल जाए, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो बेच देंगे, लेकिन कोई इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती ज्यादा प्रोड्यूस की, इतना हो जाए कि हमारे घर को पूरा हो जाए, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो बेच देंगे, वो एक तरह से बोनस है। लेकिन कमर्शियल लेवल पे ये कैश क्रॉप फार्मिंग नहीं है कि जो कर ही इसलिए रहे हैं कि हम बेचेंगे, तो इसीलिए स्मॉल स्केल फार्मिंग ना अलग अलग तरह की चीजें छोटे छोटे पैचेस में आप उगा रहे होते हैं, ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कहलाती है। द साइज ऑफ 34% ऑफ ऑल फार्म्स इज मच स्मॉलर देन द नॉर्मल सब्सिस्टेंस होल्डिंग व्हिच इज टेकन टू बी 5 हेक्टर्स। जितने भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग जहाँ होती है ना, समझ लो 5 हेक्टर से कम के एरिया पे जो फार्मिंग होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग के अंदर हम देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स जो है वो यूजुअली कर रहे होते हैं, आबा अजदाद से चली आ रही होती है फार्मिंग, तो उनकी तरफ से जो इक्विपमेंट चले चले आ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी जमीन है आबा अजदाद से चली आ रही है, या जो भी मेथड्स है जिस मेथड से फार्मिंग चल रही है ट्रेडिशनली वैसे ही कर रहे होते हैं, तो जमीन है बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, 5 हेक्टर तक के लैंड होते हैं, 5 हेक्टर तकरीबन समझ लो 1 हेक्टर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर्स, और 5 हेक्टर मैक्सिमम 50,000 स्क्वायर मीटर्स होगा, लेकिन इतने वैसे शहर के हिसाब से तो बहुत बड़ा लैंड होगा, लेकिन फार्मिंग के लिहाज से ये कोई बहुत बड़ा लैंड नहीं कहलाता, ठीक है, वो बस मतलब इट्स बिग इनफ बट नॉट सो बिग कि इसमें कैश क्रॉप फार्मिंग की जा सकती, तो स्मॉल स्केल फार्म्स कहलाते हैं जो 5 हेक्टर से कम वाले होते हैं। इसके अलावा हमारे जो वुडन प्लोज इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे वुडन प्लोअर, ठीक है, ये तो मशीन है, लेफ्ट साइड पे देखे अगर तो ये तो मशीन है, लेकिन राइट साइड पे देखे तो ये 2 बैलों के साथ, बुल्स के साथ वुडन प्लो इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन को हमवार करने के लिए, प्लो करने के लिए, ठीक है। स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आपके जो भी मतलब फार्मिंग है वो उसमें ह्यूमन इनपुट्स बड़े ऑर्गेनिक से होते हैं, मिसाल के तौर पे फर्टिलाइजर्स अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो काउ डंग के अलावा कोई भी मिसाल के तौर पे जो लेफ्ट ओवर होता है हमारे क्रॉप्स का
उससे वही फर्टिलाइजर बन जाते हैं, काओ काओ का जो डंग होता है वो उसका मैन्योर, उसकी खाद बन जाती है, ठीक है। और प्लोज लिखे हुए, जैसे वुडन प्लोज इस्तेमाल होते हैं, फैमिली मेंबर्स कर रहे होते हैं, तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और की किस लिए जाते हैं? अच्छा, ये लोग यूजुअली जो फार्मिंग कर रहे होते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा फार्मिंग को पढ़े हुए नहीं होते, इसलिए बहुत हाई आउटपुट्स नहीं क्रिएट कर रहे होते। जो भी सीखे हुए होते हैं वे अपने एक्सपीरियंस से सीखे हुए होते हैं, और बहुत ज्यादा मशीनरी का भी इस्तेमाल नहीं है। औरतें भी लगती है इस फार्मिंग में, या तो औरतें बच्चों की टेक केयर कर रही होती है, या फिर पानी लेके आ रही होती है, या फिर जो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको थ्रैश कर रही होती है, या अगर कोई मशीन छोटे मोटे अफोर्ड कर सकता है तो उन मशीनों के जरिए जो है ना ग्रेन्स को अलग कर रहे होते हैं, या हमारे काउज और बफेलोज उनको घुमा रहे होते हैं, घोड़ों को घुमा रहे होते हैं, बहुत सारी घास बिछा कर उस घास के अंदर से जितने भी है ना, मिसाल तौर पर वीट निकल रहा है, राइस निकल रहा है, तो उनको चला चला कर उस घास के ऊपर वो वीट राइस अलग करवा रहे होते हैं। यूजुअली वीट वीट तो फिर अफोर्ड कर लेते हैं, राइस यूजुअली सब्सिस्टेंस फार्मर्स नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि राइस में पानी बहुत चाहिए उगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सब्सिस्टेंस फार्म्स के ओनर्स हैं वो अपने पास बफलोज, काउज या गोट्स भी रखते हैं, इसी तरह मुर्गियां भी पालते हैं, तो इनकी बड़े छोटे स्केल पे होता है लेकिन बहुत ऑर्गेनिक होता है, मतलब इसमें कोई एसएच केमिकल का यूसेज नहीं हो रहा होता। लेकिन इनकी यील्ड्स, इनके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते, इनका जो जो भी फार्म लैंड है उसके ऊपर से जो भी निकल पाता है ना वो इतना होता है कि उनकी फैमिली अफोर्ड कर सके। आप देखो जैसे कि एक सब्सिस्टेंस फार्म के अंदर देखो लिफ्ट इरिगेशन, ये एनिमल्स है जो कि ड्राफ्ट कर रहे हैं, ड्राफ्ट मतलब निकाल रहे पानी को खींच के, एनिमल्स मिलकर ड्राफ्ट कर रहे हैं पानी, एनिमल्स को यूज कर रहे हैं एज अ ड्राफ्ट पावर। अच्छा, ड्राफ्ट की स्पेलिंग एक है DRAFT और एक स्पेलिंग है DRAUGHT, ड्राफ्ट, ठीक है। बारिश का पानी मिल रहा है जमीन को तो मिल रहा है, वरना जमीन के अंदर से पानी बैल गाय बैल के जरिए खींच के पानी दिया जा रहा है जमीनों को, और ये घर के साथ ही जमीन है, गाय बैल भी घर के साथ ही है, तो ये बहुत ही स्मॉल स्केल फार्मिंग की एक मिसाल है कि बहुत छोटे स्केल पे इस तरह से हो रहे होते हैं। फर्टिलाइजर्स और सीड्स भी इनके जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल इनके डोमेस्टिक फर्टिलाइजर जो हो सकते हैं ना, जो अब गाय भैंस के जरिए जो खाद बनती है उसको सुखा के जो ना एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है, और सीड्स भी जो उनके उगती है, जो भी क्रॉप उगती है उसी की जो सीड्स बनती है उसी सीड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अच्छी हो तो ये फार्मिंग कर पाते हैं, वरना इनके पास कोई बहुत ज्यादा हैवी टेक्निक्स है नहीं कि इनके जो है ना फार्मिंग सर्वाइव कर पाए अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी ना हो तो। फिर उसके बाद हमने कैश क्रॉप फार्मिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, कैश क्रॉप फार्मिंग के अंदर भी इनपुट्स वही हैं सारे, जिस तरह ये इनपुट्स हम देख रहे हैं ना, नेचुरल इनपुट, ह्यूमन इनपुट, लेकिन थोड़े बड़े पैमाने पे और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हुए, अच्छी नस्ल के बीज, अच्छी वैरायटी के बीज इस्तेमाल करते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है इतनी लार्ज स्केल पे फार्मिंग की जा कर पाते हैं लोग कि इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली जो कैश क्रॉप फार्मिंग है डेफिनेटली बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा वो पैसा लगाते हैं, और उसके बाद ज्यादा फार्मिंग से आउटपुट मिलता है उनको, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होती है क्रॉप्स की, तो फिर उस क्रॉप्स को बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो इनके पास जो इनके इनपुट्स हैं, इरिगेशन सिस्टम भी बड़े स्ट्रांग होते हैं इनके, ठीक है, पानी देने का सिस्टम, मतलब रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये बाकायदा कैनाल्स बनाते हैं, प्रॉपर अपने चैनल्स बनाते हैं जिससे पानी देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा एकदम स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी एक्सपर्ट नॉलेज होती है इनके पास, अच्छी मशीनरी होती है, तो इस तरह से फिर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स अफोर्ड कर सकते हैं लोग, कि किसी किस्म की अगर सुंडी लग जाए फूल पौधों पर तो किस तरीके से उसको जो है ना, इतने बड़े स्केल पे फार्म्स हैं तो उनको उनपे किसी किस्म की कीड़ा लग जाए अगर जमीन में, तो फिर ऐसे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं कि वो कीड़े मर जाए, ज्यादा ना फैले वो, क्योंकि वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते कीड़े, ठीक है। तो इनका नेचुरल इनपुट वही है, वही जमीन, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर फॉर्म्स, लेकिन ह्यूमन इनपुट जो इनका एक्सपर्ट क्वालिटी का है और हाई अच्छी टेक्निक्स है, तो इससे इनको ज्यादा फार्म आउटपुट मिलता है, ज्यादा मिलता है तो फिर ये सेल करते हैं। वही सारे इनके प्रोसेस है, प्लो करना, सो करना, इरिगेट करना, वीड्स वीडिंग करना, मतलब जंगली पौधे निकालना, थ्रेशिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, लेकिन यूजुअली सब कुछ इनका मशीन से हो रहा होता है, ठीक है। कैश हमारे कैश क्रॉप्स के अंदर यूजुअली कॉटन है, वीट है, राइस है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है और टोबैको है। ऑयल सीड्स वही जिससे मतलब तेल बनता है, मिसाल के तौर पर सरसों की सीड्स हो गई, सरसों होता है कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों, कैस्टर ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, तो वो सारी सीड्स जिनसे ऑयल बनता है वो वाली आउटपुट्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत मिलते हैं। फिर ये बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट फिर अपने जो भी अपने पर्सनल लाइफस्टाइल में एंजॉय करते हैं, उसके अलावा जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है वो इन्वेस्ट बैक करते हैं आपके फार्मिंग के अंदर। तो ये कैश क्रॉप फार्मिंग के अंदर होता है, लार्ज स्केल के ऊपर की जाती है फार्मिंग। इज इट क्लियर? सो कैश क्रॉप फार्मिंग के अंदर एक चीज हमने देखी कि प्रॉफिट्स मोटिव होता है। अब इसमें अगर फार्मर्स, कैश क्रॉप फार्मर्स जो है वो मतलब हाई प्रॉफिट्स के लिए प्राइसेस बहुत हाई रखना चाहें, और कोई किसी किस्म की स्टेपल फूड हो, मतलब स्टेपल क्रॉप, स्टेपल क्रॉप्स हो कहलाते हैं, डेली बेसिस पे
जो इस्तेमाल होने वाली, जो कि एक तरह की नीड है लोगों की, तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फिर प्लेस पे आती है, इन प्लेस आती है। गवर्नमेंट भी फिर उसके ऊपर जो है ना रेगुलेशन रखती है कि इससे ऊपर इसकी प्राइस नहीं बढ़ा सकते, वरना तो गंदम चीनी ये चीजें जो है फिर बहुत एक्सपेंसिव तरह एक्सपेंसिव होती चली जाए और लोगों का मतलब जीना मुश्किल हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो कुछ बहुत ऐसी लग्जरी क्रॉप्स हो तो एक अलग बात है जो बहुत ही कम उगती है, लेकिन बेसिक फ्रूट्स बेसिक फूड्स जितने भी ऐसी क्रॉप्स हैं तो वो गवर्नमेंट उनके ऊपर एक कैप लगाती है कि मैक्सिमम इतने प्राइस पे आप सेल कर सकते हो सफर में। और उसमें भी जो है ना मतलब पूरा प्रोसेस डिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि आपके जो फार्मर है फार्मर से फिर पूरा का पूरा आउटपुट कोई जो है ना लेता है और उसको होलसेल मार्केट में सेल करता है। ठीक है ना, वो एजेंट होलसेल मार्केट में सेल करता है, फिर होलसेलर से रिटेलर्स तक जाता है वो सारी क्रॉप्स। ठीक है, या तो होलसेल से डायरेक्ट फैक्ट्रीज उठा लेती है या तो रिटेलर्स तक जाता है। ठीक है, अब गंदम फैक्ट्री भी उठा सकती है बहुत सारा गंदम, और बहुत सारा गंदम जो है छोटी इलाकों के अंदर जो मिल्स बनी होती है, जो चक्की बनी होती है आटा बनाने की या जो भी है उनको, जो भी उनकी मशीनरी लगी हुई है दाने पीसने की हो या जो भी, वो वहां तक जाता है सारा। ठीक है ना, सारी क्रॉप तो उसके बाद फिर पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिक खरीद के वहां से। खैर, कैश क्रॉप फार्मिंग के बाद उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, मतलब कैश क्रॉप हो या सब्सिस्टेंस हो, पाकिस्तान में क्रॉप्स हैं कौन कौन से, तो इसको बाय सीजन डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बाय सीजन डिवाइड किया हुआ है मतलब खरीफ और रबी दो क्रॉपिंग सीजन है, मेन दो क्रॉपिंग सीजन है खरीफ और रबी। इसके अंदर थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन क्रॉपिंग सीजन मेनली इस तरह से, मैं इसके दिखाऊं आपको, ये ऑयल सीड है उसकी, मस्टर्ड की, मस्टर्ड ऑयल की सीड्स इस पूरे फार्म से निकलते हैं, मतलब ये सरसों का खेत है कह लो। व्हेन यू गो टू टूर यू विल सी, अगर आप उस सीजन में जाते हो मिसाल के तौर पर अक्टूबर नवंबर के बाद से लेकर अप्रैल मई से पहले पहले तक वाले सीजन में, यू माइट सी दीज। ठीक है, दीज फार्म फील्ड्स नियर मूविंग पास्ट इस्लामाबाद या जो मोटरवे है वहां से क्रॉस हो रहे, तो आपको बड़ी नजर आती है इस तरह की फील्ड्स। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, खरीफ मतलब खिजां, ठीक है ना, और रबी क्रॉप्स। अब ये दो क्रॉपिंग सीजन है आपके, इसमें बीज कब डलता है और निकलता कब है। अगर हम इसकी बात करें खरीफ की बात करें, खरीफ की बात करें तो इसका बीज जो सो होता है, जो मतलब बीज बोया जाता है, वो है अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम पीरियड, अप्रैल मई जून समवेयर इस टाइम पीरियड में बीज बोया जाता है और उसको निकाला काटा कब जाता है, खिजां के मौसम में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्रॉप्स काटी जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। तो सोइंग कब होती है, अप्रैल से लेकर जून तक के महीनों में, और हार्वेस्टिंग कब होती है, अक्टूबर नवंबर के महीनों में। ठीक है, जबकि रबी जो क्रॉप्स है वो अप्रैल और मई में काटी जाती है, जो कि सो की जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, बीज बोए जाते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में और हार्वेस्ट किए जाते हैं अप्रैल मई के महीने में। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पर लिख दूं मैं, ये सो कब किए जाते हैं और ये सो कब किए जाते हैं, ये सो किए जाते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है ना, और हार्वेस्ट कब होते हैं, अप्रैल मई के महीने में, जबकि ये सो कब होती है, अप्रैल से लेकर जून के दरमियान, अप्रैल में लिख देता हूँ चलो, और हार्वेस्ट कब होते हैं, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, खरीफ और रबी। रबी क्रॉप्स के अंदर वीट मतलब गंदम, ओट्स, बार्ले, बार्ले होता है गेहूं, ठीक है, तो वीट ओट बार्ले, इसके अलावा मस्टर्ड, देख लो मस्टर्ड वही जो सरसों के बागान दिख रहे हैं ना, ये तो मस्टर्ड ऑयल जो होता है सरसों का तेल होता है। सो ये अक्टूबर नवंबर में सो किया जाता है और अप्रैल मई के, अब इसके दरमियान भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है जनवरी फरवरी में ही इसके जो है ना बीज निकाल लिए जाए और उसके बाद इसका जो ये रह जाता है फूल रह जाता है उसको बाद में निकाला जाए, इट इज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग किस्म की बाय प्रोडक्ट्स बनती है ना, इसके एग्जैक्ट टाइम क्या नहीं पता, लेकिन जो मंथ्स है जिसके दरमियान ये वाला काम होता है वो ये 6-6 महीने का समझ लो टाइम पीरियड है। और थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है कि अप्रैल में कुछ रबी क्रॉप्स अभी हार्वेस्ट नहीं हुई है और इतने में जो है खरीफ क्रॉप्स भी लग रही है, तो सेम लैंड की बात नहीं हो रही, जो लैंड एक्सेस है जहां से रबी क्रॉप्स निकल गई वहां खरीफ सो कर दी, इतने में जहां दूसरी जगह पर रबी क्रॉप्स आके वहां से जब हार्वेस्ट हो जाएगी तो वहां खरीफ सो कर देंगे। ठीक है, ऐसे होता है। चिक पी मतलब चना, ठीक है, वो अक्टूबर नवंबर के अंदर सो होता है और अप्रैल मई में हार्वेस्ट होता है। अब चना आप देख रहे हो, आपने होले देखे होंगे जो सर्दियों में अक्सर खाते हैं, तो उसके अंदर क्या चना ही होता है वो। ठीक है, तो आपने यू यू वुड फाइंड देम इन द मंथ्स ऑफ लाइक सर्दियों के जो विंटर मंथ्स होते हैं उसमें आपको मिलेंगे। ब्रोकली एक, अगर आपने कभी देखी हो, ब्रोकली एक सब्जी है, ठीक है, देखने में थोड़ी गोभी जैसी होती है लेकिन एग्जैक्टली गोभी नहीं होती। इसी तरीके से खरीफ क्रॉप्स की बात करें अगर, ठीक, खरीफ खिजा, खिजा से मुराद यह है कि जब कट रही होती है ना खरीफ क्रॉप, तब वो ऑटम का सीजन होता है, खिजा का सीजन होता है। इसमें क्या है, राइस, राइस वीट के ऑपोजिट है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वीट हमें पूरे साल नहीं मिलेगा, इतना उग चुका होता है पूरे साल की उसमें से वो निकल आती है, पूरे साल के लिए सिक्योर हो जाता है। ठीक है, हमारा वीट, राइस, राइस आपको खरीफ
क्रॉप्स में, मतलब इसकी जो सोइंग है वो अप्रैल मई के महीनों में इसको वो किया जाता है, सो बीज बोया जाता है और काटा जाता है अक्टूबर नवंबर के महीनों में। तो देख लो बीच में बारिशों के सीजन गुजरते हैं, बहुत सारे मानसून पीरियड गुजरता है मुल्क के अंदर, ठीक है। इसी तरह गर्मियां गुजरते हैं तो गर्मियों में रिवर वाटर फ्लो होता है ज्यादा, क्योंकि पहाड़ पिघलते हैं ज्यादा तो पानी ज्यादा चाहिए होता है राइस को, शुगर केन को। मेज, MAIZE, मेज कौन को, भुट्टे को कहते हैं मेज, ठीक है। अच्छा भुट्टे की फसल को आप मिलेट की फसल से कंफ्यूज मत कर देना कभी, मिलेट अलग है भुट्टा अलग है। मिलेट किसे कहते हैं? बाजरा। तो देखने में क्रॉप्स ये भी आपको भुट्टे लग रहे होंगे लेकिन ये बाजरे की फसल है, सो बाजरा होता है। बाजरा पता है ना क्या होता है? सो बाजरा अलग है और मेज अलग है, मेज होता है कॉर्न और मिलेट बाजरा होता है। कॉटन, कॉटन खरीफ है। बार्ले, नो इट्स नॉट बार्ले, ये बार्ले गलत लिखा हुआ है। ये है हमारे ग्राउंड नट, पीनट्स, मूंगफली। इस बात पे कोई शुबा है कि पीनट जो है, ये तो कह रहे हैं पीनट अक्टूबर नवंबर के अंदर हार्वेस्ट होता है, ओके लेकिन हमें तो सर्दियों में मिलते हैं। हो सकता है कि हाँ पीनट्स हमें मिलना शुरू हो गए ना, अभी महीना कौन सा चल रहा है, अक्टूबर नवंबर चल रहा है, हाँ तो ठीक है ये इसका हार्वेस्ट टाइम है। अगर हमें जनवरी में मिल रहे होते हैं, मतलब अब तो मिलेगी इसकी सप्लाई, ऐसा है कि जनवरी फरवरी में, तब तक तो उसकी सप्लाई एकदम तक, जहां जहां जमीनों में आखिर आखिर भी होता है ना, मेनली तो अक्टूबर नवंबर में ही निकल जाता है पीनट। उसके बाद ज्यादातर दिसंबर या ज्यादा कुछ जमीनों में थोड़ी बहुत लेयर रह गए ना पीनट्स, तो वो जनवरी में शायद निकलेगी, लेकिन है ताल्लुक इसका खरीफ क्रॉप पीनट्स का, ठीक है। सोयाबीन्स, ये बीन्स है, ये भी खरीफ क्रॉप पे काउंट होते हैं, तो कुछ मिसाल है। अच्छा मैं आपको बता, ये क्या है, ये रहा हस्क, ये हस्क है और हस्क से बना चावल के छिलके से बन रहा है ये कार्ड शीट, ये देख रहे हो कैसे, देखी होगी ना इस तरह की कार्ड शीट, इस तरह के बनते हैं हस्क से। और हस्क और शाफ में फर्क क्या है? शाफ जो है वो गंदम का जो छिलका होता है वो होता है शाफ, और शाफ के हमने देखा जैसे पिरामिड्स बनाए, शाफ के हस्क के भी पिरामिड्स बन सकते हैं, ठीक है इस तरह से। और इनको यूज करके कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर इनको एनर्जी सोर्सेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी सोर्सेस की मैंने एक मिसाल दी थी, जैसे बायोमास, बायोमास पैलेट्स, बायोमास पैलेट्स है, ये चूल्हे में डाल के जलाते हैं इसको, ये इनको कंप्रेस करके बनाया हुआ होता है, ये कंप्रेस करके बनाते हैं बहुत, और ये एकदम जैसे एक सिगड़ी में कोयले डाल के जलाए इसको भी वैसे जला सकते हैं। ये धुआं भी कम करता है और ये जलता भी प्रॉपर, आपके खाने वाने गर्म करता है, जहां पर गैस ना पहुंचते हो तो बायोमास पैलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। और ये बायोमास पैलेट्स किससे बनते हैं? एग्रीकल्चर के या लाइव स्टॉक फार्मिंग के जितने भी बायो प्रोडक्ट्स है या वेस्ट चीजेस है उनको मिला के उनको कंप्रेस करके पैलेट्स बना देते हैं। ये क्या है? कॉटन। कंप्लीटली अभी जो है ना ये ग्रोन नहीं है, अपने सीड के अंदर जुड़ा हुआ है, ये पूरे सीड से बाहर निकला है, अब इसके पीछे इसका बस सीड का कुछ जो बचा कुछ अच्छे का रह गया। तो वेल वील जस्ट सी अबाउट दिस। आपने खरीफ और अभी देख लिया, पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप्स है वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, मेज, ऑयल सीड, टोबैको, अदर प्रोडक्ट्स। वीट रबी सीजन का है, कॉटन, राइस, शुगर केन, मेज, ये चारों खरीफ के। ऑयल सीड्स रबी, ऑयल सीड्स में मस्टर्ड ऑयल जो है वो रबी का है। टोबैको एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर टोबैको किसका है, रबी या खरीफ है। खैर ये राइप वीट की मिसाल दे रहे हैं, पक गया पूरा वीट। वीट मतलब गंदम, गंदम से क्या बनता है? फ्लावर। फ्लावर मतलब आटा, FLOUR फ्लावर। सम पार्ट इज मिसिंग बट सेइंग दैट स्टेपल फूड डाइट है तकरीबन, वीट हो गया, राइस हो गया, ये आपके स्टेपल फूड्स हैं, मतलब डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रोटी बनती है इससे, तो इसके ऊपर जो है ना, मतलब स्टेपल फूड्स के ऊपर जब इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस, तो उससे तो पैसे आने ही आने, वो तो बिकना ही बिकना है, ठीक है। उसकी डिमांड वैसे ही ज्यादा होते हैं, बल्कि इम्पोर्ट का, हम इम्पोर्टिंग कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से इनफ वीट भी नहीं, एक जमाने में होता था, अब इनफ वीट भी नहीं है तो वो भी इम्पोर्ट होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ डेफिनेटली लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और प्रॉपर हमारा लैंड इतना है लेकिन लैंड को फर्टाइल नहीं किया हुआ और लैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया हुआ, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। वही ना, पॉपुलेशन मौजूद है, पॉपुलेशन का होना तब तक नुकसानदेह नहीं जब तक पॉपुलेशन प्रोडक्टिव हो, मतलब पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है तो उसी हिसाब से गंदम भी उगा रहे हैं कि नहीं, सही है, दैट मैटर्स। अच्छा यहाँ पर देर इज अ मिसिंग एरिया, बट अगेन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेपल फूड्स हैं उसके लिए कैनाल इरिगेट करते हैं, इंडस इंडस प्लेन्स है ना यहाँ पर, ये तकरीबन जैसे वीट के रीजन है, सारे वीट के रीजन है, और ये वीट के हवाले से पैराग्राफ। तो वीट एक स्टेपल फूड है, ठीक है, और थ्रू आउट द मतलब ईयर अवेलेबल होता है पूरे मुल्क में, ठीक है। इसको रबी क्रॉप के अंदर, रबी सीजन के अंदर मेजर ग्रोथ है इसकी, और इसके लिए सीजन भी फेवरेबल होता है फ्रॉम अक्टूबर से मई, हाँ रबी क्रॉप है ना, और हार्वेस्ट हो जाता है ये अप्रैल, फ्रॉम अक्टूबर से लेकर मई तक, अक्टूबर में ये सो होता है और मई में आ रहा है, क्योंकि ये रबी क्रॉप है, ठीक है। अक्टूबर में बीज डलता है और अप्रैल मई तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हमारे मतलब इंडस प्लेन के जरिए जो भी रिवर वाटर फ्लो हो रहा होता है, क्यों कैसे वीट उग पाते हैं या कोई भी क्रॉप कैसे उग पाती है, इंडस प्लेन, इंडस वाटर जो इंडस रिवर है उसके जरिए बहुत सारा एलुवियम
पहाड़ों से आते आते फ्लो होते होते बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट हो रहे होते हैं रिवर बैंक्स के साथ, रिवर के साथ जो एरियाज है वहां पर, और जमीन हमवार होती चली जाती है, वहां उगा सकते हो आप, ठीक है। और बहुत सारी जमीन ये भी है, फ्लड हो जाए, अगर कोई जमीन ज्यादा पानी आ जाए और फ्लड हो जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, वाटर लॉगिंग, जमीन में पानी खड़ा हो सकता है, उससे क्या नुकसान है, उससे फिर ये है कि जमीन जहां पर पानी ज्यादा खड़ा हो जाए उसके बाद वो पानी एवोपरेट हो जाए तो फिर नमकी आत रह जाती है जमीन में खाली, तो सैलिनिटी हो जाती है, और सैलिनिटी जहाँ वो फर्टाइल नहीं रहता है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी जो खड़े पानी में ज्यादा उगती है जैसे कि शुगर केन, राइस, सही। तो अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग क्रॉप्स, और ज्यादा पानी का आना जो है उसका टाइम पीरियड कौन सा पॉसिबल है जिनके मानसून बीच में पड़ रहा हो, जैसे अगस्त सितंबर या लेट सितंबर तक के मंथ्स जो पड़ रहे हो जो कि खरीफ क्रॉप को मिलते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन अक्टूबर, इन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक फील्ड्स, व्हीट की फील्ड्स को प्लो किया जाता है, हमवार किया जाता है, और डायरेक्टली इसकी सीड्स ग्राउंड के अंदर डाली जाते हैं। अनलाइक राइस, व्हीट डज नॉट नीड अलॉट ऑफ वाटर, राइस की तरह नहीं है व्हीट, व्हीट को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इरीगेट द लैंड ट्वाइस, दो दफा इरीगेट करते हैं लैंड को। द फर्स्ट इरीगेशन इज डन 1 month आफ्टर सोइंग द सीड, सीड डाल देने के 1 महीने बाद पहली दफा इरीगेट करते हैं। एंड द सेकंड इरीगेशन टेक्स प्लेस 1 month बिफोर हार्वेस्टिंग, और दूसरी दफा इरीगेट कब करते हैं, हार्वेस्ट करने से 1 महीना पहले। तो सीड डालने के 1 महीने बाद और हार्वेस्ट करने से 1 महीना पहले, दो दफा में मतलब खुल के पानी दिया जाता है मेनली, ठीक है, व्हीट क्रॉप को। व्हीट इज हार्वेस्टेड आफ्टर 3 months, व्हीट का बीज लगने के बाद 3 महीने बाद हार्वेस्ट कर दिया जाता है। अब जाहिर है अक्टूबर से दिसंबर तक प्लो कर रहे हैं फील्ड को, हमवार कर रहे हैं, सही है, उसके बाद व्हीट डाल रहे, लेट्स सपोज दिसंबर में सो कर रहे हैं या जनवरी में सो कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च या ज्यादा अप्रैल तक उसको निकाल देंगे। तो अगर जनवरी के बिगनिंग में, दिसंबर एंड में सो किया तो जनवरी एंड तक उसको पानी देंगे, फर्स्ट टाइम इरिगेट करेंगे। फिर अगर अप्रैल में निकालना है तो अप्रैल से 1 महीना पहले मार्च के अंदर उसको पानी देंगे, सही। द यील्ड मतलब रिटर्न, प्रोडक्शन, द यील्ड या प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हैज ग्रेजुअली इंक्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है व्हीट प्रोडक्शन, और बहुत सारी वेराइटीज इसके अंदर आ रही है। देर इज सम इम्प्रूवमेंट इन द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम टू कट डाउन वाटर लॉसेज फ्रॉम द कैनाल्स टू द फील्ड्स, फिर फील्ड्स के अंदर जो पानी पहुंच रहा है जब चाहिए तभी पहुंचे, लीकेजेस ना हो, और जब पानी चाहिए तब अवेलेबल हो। अब इस सिस्टम को, वाटर सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी ना, लीकेजेस कम होंगे, एक तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी कम होगी, क्योंकि लीकेजेस होंगी तो जहां पर नहीं पानी चाहिए वहां पर पानी खड़ा हो जाए, और वो जमीन भी जो हमवार हो सकती थी बाद में वो भी तबाह हो जाए, और पानी पूरे तौर पे पहुंचे भी ना जहां पर चाहिए। तो ये सारे मसले वाटर मैनेजमेंट के हवाले से थे, वो इम्प्रूव जैसे जैसे होते जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स अच्छे होते जा रहे हैं, मशीनरी अच्छी होती जा रही है, तो वीट की कल्टिवेशन में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये शाफ से वीट को अलग कर रहे हैं। देखो एक होता है आपका थ्रेशिंग, ठीक है, थ्रेशिंग से क्या होता है कि वीट आपका जो है गंदुम छिलके के साथ जो है स्टॉक से अलग हो जाता है, स्टॉक मतलब स्ट्रॉज वो टिंको टिंके जो होता है ना उससे अलग हो जाता है, वो उससे अलग होकर अगर जमा हो गया ना उसके बाद फिर उसको उसके छिलके से भी अलग करना होता है, ठीक है। तो वो शाफ जो है ना अलग करने के इस तरह के प्रोसेस है, जैसे उस गंदम के ऊपर मारना, एनिमल्स को दौड़ाना, या मशीनरी के अंदर डाल के भी आप शाफ अलग कर सकते हो, फिर शाफ का अलग यूसेज है, और गंदम तो जाहिर है फिर वो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट एक चीज है और बाय प्रोडक्ट अलग चीज है, बाय प्रोडक्ट के दूसरी जो उसका मटेरियल वेस्ट हुआ है ना उसका भी कोई काम हो सकता है। तो नॉर्मली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जितनी है उसका एंड तक बाय प्रोडक्ट यूसेज कुछ ना कुछ होता ही है, कंप्लीटली यूज थिंग, या तो एनिमल्स खा लेते हैं, या एनिमल्स की बेडिंग्स बन रही होती है, या किसी किस्म के फर्टिलाइजर्स बनने में काम आ रहा होता है, या किसी किस्म की फ्यूल एनर्जी बनने में, बायोमास फ्यूल बनने में काम आ रहे होते हैं ये बाय प्रोडक्ट्स, क्लियर, या किसी किस्म के मटेरियल्स जो कि जैसे कार्डबोर्ड, कार्ड शीट्स, वो यूज करने में काम आ रहे होते हैं। पाकिस्तान वैसे सेल्फ सफिशियंट हो सकता है वीट के अंदर, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज जिस हिसाब से हो रही है उतने हिसाब से कल्टिवेबल एरिया जो है ना वो नहीं हो रहा, बल्कि कल्टिवेबल एरिया डिक्रीज होता जा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ है तो आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो रिहायशगाह बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, तो जो जमीन है कल तक काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती होंगी वो मतलब उनके कोई और दूसरे कमर्शियल रेजिडेंशियल यूजेस बनना शुरू हो गए, सोसाइटीज बनना शुरू हो गई उन जगह पर। तो एक तो ये, और फिर दूसरी चीज जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई वाटर यूसेज और बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना, फिर तो वाटर भी कम पहुंच रहा है ऐसी जगह पर, वाटर मैनेजमेंट और प्रॉपर चाहिए। फिर थर्ड थिंग इज वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी का मसला तो है ही, जिसकी वजह से आपकी जमीन कल्टिवेबल एरिया कम होता चला जाता है, जितनी ज्यादा पानी कहीं ना कहीं जमा होता जाए उस जमीन को, फिर हमवार करने की पूरी कॉस्ट लगती है, तो दोबारा से उसको फर्टिलाइज करना मतलब उसकी मट्टी में जान डालना, इट्स अ बिग प्रोसेस, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए जो जमीन हमवार होती थी वो तो ऐसे ही रिवर वाटर फ्लो हो रहा है, रिवर वाटर के साथ बहुत सारे मिनरल्स आ रहे हैं, वो कितने अरसों दराज के पीरियड गुजरने के बाद वो मिनरल्स जो है वो पानी पानी से मट्टी में जमा हो रहे हैं, मट्टी से फिर बारिश हो रही है, फिर फैलने आगे तक जमीने जाके सारे हमवार कर रहे हैं। लेकिन अब जब एक दफा पानी खड़ा हो जाए और वो एवाप्रेट हो जाए पानी खड़ा होने के बाद, तो फिर उसके ऊपर टॉप लेयर पे सिर्फ सिल्ट मतलब वो सॉल्ट रह जाता है, सैलिनिटी रह जाती है, ऐसे मिनरल्स रह जाते हैं जो कि क्रॉप्स को उगने में मदद ना दे, तो उसको दोबारा से हमवार करना पड़े, बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो वीट प्रोडक्शन इस वजह से उस हिसाब से हमारी
अभी नहीं है, कम होती जा रही है पॉपुलेशन की बनिस्बत। वैसे तो वीट प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बारानी फार्म्स के अंदर वीट प्रोडक्शन, बारानी फार्म्स वो होते हैं जो रेन डिपेंडेंट होते हैं कि रेनी सीजन जब होता है ना तो वहां पर तब फार्मिंग की जाती है। वहां पर कोई किसी किस्म का अगर रिवर फ्लो नहीं है तो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये बारानी फार्म्स। तो डेफिनेटली बारानी फार्म्स के अंदर आप राइस तो शायद ना उगा सको, ठीक है। राइस के लिए तो आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको पता है इस टाइम पे पीरियड पे बारिश होनी ही होनी है और कितनी होनी है, अगर ये पता है तो राइस उगा सकते हो मैक्सिमम। लेकिन वो एक रिस्क है, वो फिर फार्मर्स अपना एक्सपीरियंस भी यूज करते हैं कब कौन से वक्त में कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट वीट के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए होता है ये आपको लिखा हुआ है, कितने ग्रोइंग डेज है उसके, मैक्सिमम 120 डेज है इसकी ग्रोथ पीरियड। तो वीट तब तक कंप्लीटली राइप हो चुका होता है 90 दिन से लेकर 120 दिन तक के दौर में। उसको रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती क्योंकि वाटर डिपेंडेंट होता नहीं है वीट इतना। फिर वीट की वेराइटीज आपको बताई हुई है इसके अंदर, सही ना, वीट की वेराइटीज लिखी हुई नहीं है लेकिन ये क्या है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है ना वीट की, वो आपके जो ना एट प्रेजेंट 90% ऑफ द एरिया अंडर वीट कल्टिवेशन इज गिवन टू हाई यील्डिंग वेराइटीज। मतलब ज्यादातर जो वीट को कल्टिवेशन हो रही है ना वो उन वेराइटीज पे हो रही है जो हाई यील्ड करती है। तो मतलब बीज को भी ऐसे कोई भी हर किस्म के बीज को नहीं डाल दिया जाता, एक जमीन आपकी लग रही है पानी लग रहा है तो कम से कम आप वैसा वैसे बीज डालो कि जिसके एक एक स्टॉक के अंदर बहुत सारा वीट भर के निकले, ठीक है ना। तो ऐसे बीज डालने, तो इसके लिए बाकायदा रिसर्च होती है लैब्स के अंदर कि कौन सा बीज कितना हमें यील्ड दे रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है, ये आपके वीट। हाँ एग्जैक्टली वीट की है। अच्छा फिर राइस के बारे में, राइस को भी आप पाकिस्तान के अंदर राइस प्रोडक्शन भी मतलब वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में, तो टॉप 10 में तो आई थिंक पाकिस्तान आता ही होगा राइस कल्टीवेशन के अंदर, राइस राइस यील्ड के अंदर के पाकिस्तान की राइस प्रोडक्शन। अब यह है कि राइस के फसल लगाने का तरीका ये होता है कि इसकी जो है ना सैपलिंग्स पहले उगाते हैं कहीं पे किसी को नर्सरी बना के, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं राइस के, ठीक है, उसको फिर बाकी बड़े फार्म में जो है ना ट्रांसफर करते हैं। राइस सैपलिंग, ये राइस सैपलिंग्स होती है, देख लो ये छोटे छोटे वो आपने बनाए हुए नर्सरी, फिर इसको जो है ना आप जमीन में डालते हो और इसके इसका ज्यादातर ये जो है ना ज्यादा पानी में ही उगते हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड। ये देख रहे हो पानी किस तरीके से फ्लडेड है जमीन के अंदर और उसी को फिर प्लो भी कर रहे हैं ऐसी जगह पर, फिर वो बोते हैं राइस की सैपलिंग्स को। तो इसमें बीज वाला हिसाब नहीं है जैसे वीट के अंदर ना बीज डाला जमीन के अंदर, इसमें सैपलिंग्स पहले अलग से उगते हैं और उन सैपलिंग्स को फिर जना जमीन में बोना पड़ता है। मैंने जितना पीछे अभी क्रिएट किया ना वो सारी ग्राउंडिंग क्रिएट किया, सब कुछ आपको मतलब बताया है कि बैकग्राउंड बता दिया। अब आप रीड करेंगे आगे तो आप लोगों को बड़ी आसानी होनी चाहिए। ये एरियाज है राइस रीजन्स जहाँ पर राइस है। लेजेंड जरूर देखने के, मेन रीजन्स ग्रीन कलर से, सेकेंडरी रीजन्स येलो कलर से, और प्रोविंशियल बाउंड्रीज, प्रोविंसेस ये बने हुए प्रोविंशियल बाउंड्रीज ज्यादा, जैसे लाड़काना के अंदर मेन रीजन है राइस प्रोडक्शन का, इसके अलावा डाडू, ठट्टा, बदीन, जकबाद, जाफराबाद इन जगहों पर, फिर यहाँ पर गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा, ये मेन रीजन है राइस कल्टीवेशन के, और उसके अलावा सेकेंडरी रीजन भी है। तो ज्यादा राइस जो है ग्रीन एरियाज में उग रहा है, ये लेजेंड्स बताते हैं आपके ग्राफ के अंदर कि क्या चीज का है। इसके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वही मॉडरेट टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री के दरमियान, ठीक है। और हार्वेस्टिंग का वक्त जो है ना वो थोड़ा सा वार्म और ड्राई होना चाहिए राइस हार्वेस्टिंग के लिए। हैवी रेनफॉल मतलब अगर आप रेन पे डिपेंडेंट हो राइस को लेकर तो आपको बहुत हैवी रेनफॉल चाहिए, लेकिन आपके मुल्क में तो इतने 1270 mm से लेकर 2000 mm रेनफॉल इतनी तो होती नहीं है थ्रू आउट द ईयर। हमारे मुल्क की एवरेज मेरे ख्याल से ज्यादा 600 mm होगी पूरे साल की रेनफॉल, 400 से 600 mm थ्रू आउट द ईयर, तो ये तो बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए। अब पानी कहाँ से लाएंगे? रिवर वाटर, रिवर वाटर से इरीगेट करना पड़ेगा राइस फील्ड्स को। रिवर वाटर कहाँ से आता है? पहाड़ों से पिघल के, और पहाड़ भी जाहिर है पानी जब बहता है फिर कहीं पे बरसात होती है फिर वो पानी जमता है, तो वो पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है, साइकिल है। तो ऐसा नहीं कि पहाड़ पिघल पिघल के खत्म हो जाएंगे, लेकिन पहाड़ पिघलने का रेट ज्यादा हो, मतलब पहाड़ पिघलने का जो रेशो है वो पहाड़ों का पूरे साल में जमने के रेशो से ज्यादा होगा, तो मतलब पहाड़ ज्यादा पिघलेंगे, पहाड़ ज्यादा पिघलेंगे तो वाटर टेबल ऊपर जाता जाएगा। जैसे जैसे वाटर टेबल ऊपर जाता जाएगा, इज इट गुड और बैड? इट्स नॉट गुड। फ्लड्स आएंगे, जमीनें खराब हो जाएंगी, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होगी बहुत सारे, तो वैसे घर भी तबाह हो जाता है फ्लड्स से, ठीक है। और इवेंचुअली क्या वो पानी से सेव भी नहीं हो पाएगा, हमारी जैसी कंट्री में तो डैम्स भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। दो ही बड़े डैम्स हैं, अंगला तरबेला। अच्छा रेनफॉल की इसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी है, लैंड सॉइल किस तरह का होना चाहिए। लैंड सॉइल एक दफा देख लेते हैं, जैसे लूमी और क्ले सॉइल, सैंड, क्ले और लूम, ये तीन दिखा रहा हूं। सैंड जो है उससे ज्यादा अच्छा जो है ना आप समझ लें आपका होता है लूम, बल्कि सैंड और क्ले से सबसे ज्यादा अच्छा होता है लूम, सबसे ज्यादा फर्टाइल ही होता है, ठीक है। तो लूमी और या क्ले राइस की कल्टीवेशन के लिए होना चाहिए, सैंडी नहीं होना चाहिए। सैंड में इतने कोई मिनरल डिपॉजिट्स नहीं होते मर्ज,
वो इतना अच्छा नहीं है, रेतीला टाइप का समझ ले ये मट्टी है सैंड, जबकि लोम और क्ले ये मट्टी है और लोम ज्यादा हमवार मट्टी है। ठीक है, तो ऐसे सॉइल के ऊपर उगता है आपका चावल, और ह्यूमन इनपुट्स इसमें जो है आपकी लेबर लगती है या मशीनरी अगर कोई यूज कर रहे हो तो वो कैपिटल इनपुट में शामिल हो जाता है। अच्छा, फिर कॉटन है। कॉटन क्या हो, कॉटन इज कॉल्ड द किंग ऑफ फाइबर, मतलब आपका समझ लो एक मटेरियल जो कि कपड़े नुमा मटेरियल है वो कॉटन से बनता है, कपड़ा कॉटन से बनता है। कॉटन द किंग ऑफ फाइबर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्सटाइल फाइबर इन पाकिस्तान। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, फर्निशिंग फैब्रिक्स, बेड लिनन एंड इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, मतलब कपड़ा बनाने में काम आता है इन शॉर्ट। ठीक है ना, बहुत किस्म का, आपके अब बेडशीट्स के हो, क्लोथ्स हो, टॉवल्स हो, ये सब कुछ आपका कॉटन से बनता है। पहनने का कपड़ा से लेकर बिछाने के कपड़े तक हर किस्म का। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, क्या कॉटन खरीफ क्रॉप थी, खरीफ क्रॉप है, राइस फैमिली की है। ठीक है, भुट्टा राइस शुगर केन वाली फैमिली की है कॉटन, खरीफ क्रॉप है। तो मतलब अप्रैल मई के अंदर बीज बोते हैं और खरीफ ऑटम के सीजन में उस बीज को हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं। ठीक है, मतलब काटते से मतलब पिक करते हैं कॉटन उसके बीज में से। कॉटन सीड्स जो है ना वो जो बोई जाती है एट अ डिस्टेंस अबाउट 30 सेंटीमीटर्स के फर्क से बोई जाती है, ताकि ऐसा ना हो बहुत ज्यादा करीब भी नहीं बोते और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं बोते। बहुत ज्यादा दूर दूर बोएंगे तो पूरी जमीन को आपने यूटिलाइज ही नहीं किया सही से, बहुत ज्यादा करीब भी नहीं बोते कि वो फिर उसकी प्रोडक्शन में मसला हो सकता है, उसकी जड़ों का फैलना जरूरी है थोड़ा सा। 30 30 सेंटीमीटर्स का, 30 से 40 सेंटीमीटर्स का फासला देते हैं आप सीड सोइंग में। बहरहाल कॉटन का जो लिंट होता है, और जो लिंट वाला हिस्सा ही है कॉटन का जो उसका फ्लफ है ना, ये लिंट है, सीड से जुदा हो जाता है और फिर उसको बाकायदा प्रोसेसेस में डलता है। गिनिंग मिल्स में आपका ये जुदा होता है, गिनिंग मिल्स होती है जहां पर कॉटन अपने सीड से जुदा होता है। ठीक है, अच्छा पिकिंग भी होती है, औरतें जाके कॉटन पिक भी करती है। ठीक है, अगर ये मशीन के थ्रू ना हो रहा हो तो कॉटन पिकिंग में, हमने तो देखा कि ये पिकिंग तो अभी देख रहे हैं ना, इससे पहले एक मशीन देखी थी हमने, अगर पीछे आ जाए तो यहाँ हमने एक मशीन देखी, ये देखो डायरेक्ट कॉटन को उखाड़ रहा है और अंदर ही लेके जा रहा है, और यहाँ पर कोई आके कॉटन पिक नहीं कर रहे उसके सीड में से, बल्कि पूरी मशीन लेके जा रही है कॉटन सारा निकाल के, और वो सारे कॉटन को फिर गिनिंग मिल में डालेंगे, जिसमें से इसके स्टॉक से, इसके स्टॉक या इसके फ्लावर से, इसके सीड से वो जो इसका लिंट है, जो फ्लफ है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो अपने फर्दर प्रोसेसेस में जाता है कि कॉटन जो है वो उसकी कॉटन बेल्स बनती है। कॉटन बेल्स इस तरह की होती है, ये होती है कॉटन बेल्स, ये बड़े बड़े स्क्वायर पीसेस होते हैं, बड़े हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, ये कॉटन बेल्स बन जाती है ना जब, फिर ये एक एक बेल मेरे ख्याल से कितने 70 किलो की होती है शायद, तो बहुत बड़ी थी। खैर कॉटन बेल 270 से 200 250 226 kg इसकी स्टैंडर्ड साइज, 170 kg है, सॉरी 170 kg की एक बेल, ये इतनी बड़ी नहीं होती, क्यूब होता है ये, तो बहुत बड़ी है, क्यूब होता है जो चारों तरफ से सेम साइज का होता है उसे क्यूब कहते हैं, तो क्यूब साइज की होती है, 170 kg की एक बेल होती है। इसकी प्रोडक्शन के हवाले से यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो कि कितने एरिया पे, हाँ ये लिखा है पर हेक्टर 700 kg क्रॉप यील्ड होती है, अगर लोकस्ट अटैक ना करे या किसी किस्म के प्रॉपर फर्टिलाइजर मौजूद हो, पेस्ट अटैक ना करे। लोकस्ट क्या होते हैं, लोकस्ट होते हैं टिड्डियां, बाकायदा लोकस्ट का अटैक जो होता है ना वो टिड्डी दल कहलाता है, और वो इतना खतरनाक होता है, वो आते हैं क्रॉप के ऊपर एक जमगट्ठे के तौर पे आते हैं, लैंड करते हैं और वापस जाते हैं, तो इतने में सारी क्रॉप गायब हो जाती है। देख रहे हो इस तरह इतने बड़े झुंड में आती है टिड्डियां और ये आपकी पूरी क्रॉप को खाली करके चली जाती है। दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ा हैजर्ड है, नेचुरल है, प्रोसेस होता है ये भी, एक जाहिर है, लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर या दूसरे जिस भी ममालिक में आते हैं तो वो फार्मर्स के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाते हैं, इतने बड़े एरिया को छज्जा भी नहीं डाल सकते आप, है ना। तो इन टिड्डियों को मतलब वो करने के लिए, अवॉइड करने के लिए अलग अलग तरह के ये टोटके अपनाते हैं, बर्तन बजा रहे होते हैं, अलग अलग साउंड्स बजा रहे होते हैं कि ना है इनको डरा के भगताने के लिए, बट अगेन दे कम इन सो ग्रेट तादाद, इतनी बड़ी क्वांटिटीज में, ह्यूज क्वांटिटीज में आते हैं कि आपके पूरे फसलों को तबाह करके चले जाते हैं लोकस्ट। अगर लोकस्ट का अटैक ना हो तो पर हेक्टर कॉटन कितना, तकरीबन 700 kg कॉटन निकल सकता है, 700 kg कॉटन, इट्स नॉट सो मच। अगर हेक्टर का एक साइज देखे, एक हेक्टर कितना होता है, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ का मतलब ये हो गया कि आधा मैदान, ये जो एक मैदान होता है ना समझ लो उसको आधा कर लो, तो आधे मैदान जितने एरिया में 700 किलो कॉटन पिक कर पाते हैं हम खाली, तो बहुत बड़ी जगह पर देखो 700 kg, मतलब 700 kg का मतलब आपकी ज्यादा ज्यादा 5 कॉटन बेल्स बनेंगी, 5 क्यूब्स बनेंगे, लेकिन वो हाईली कंप्रेस्ड क्यूब्स होते हैं। फिर वो क्यूब्स का इस्तेमाल होते हैं, वो क्यूब्स गिनिंग मिल से कॉटन अलग हो गया, क्यूब्स बन गए, फिर वो क्यूब्स जाते हैं स्पिनिंग मिल्स के अंदर, जो स्पिन करके उसका यार्न बनाते हैं, कॉटन स्पिनिंग, ये देख रहे हो ये कॉटन स्पिन होके ये बन रहा है, धागे बन रहे हैं इससे, सही है, यार्न बन रहा है, इस यार्न से क्या होता है, फैब्रिक बनता है, यार्न वीविंग, ये फैब्रिक बनता है, यार्न जाता है और फैब्रिक बनाता है,
है, और फिर जब फैब्रिक बन गया मतलब कपड़ा बन गया, तो फिर कपड़े को सिलाई में डाल देते, काट काट के उससे कपड़े बनते हैं, या जो भी चीजें और आगे बनती है, जीन्स की पैंट बना लो, टॉवल बना लो। जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स लिखे, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, ह्यूमन इनपुट्स कितना चाहिए होता है, सॉइल किस तरह का, लूम 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 ही सॉइल होना चाहिए, मतलब सैंड तो नहीं हो, क्ले भी ना हो, क्ले में तो चलो चावल तक भी शायद उग जाए, लेकिन लूमी हो कॉटन के लिए तो सही ना, ज्यादा अच्छा हमवार सॉइल चाहिए इसमें, ज्यादा फर्टिलिटी होती है लूमी सॉइल में, ज्यादा मिनरल्स होते हैं, मिनरल रिच होते हैं, और लूमी सॉइल तो जहां भी हो वो ज्यादा ही अच्छी प्रोडक्शन आपको देगा, क्योंकि वो ज्यादा मिनरल रिच होता है। ह्यूमन इनपुट क्या चाहिए होता है, अगर मिसाल के तौर पे मशीनरी के साथ नहीं कर रहे तो लोग मैन्युअली जाके कॉटन पिकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, औरतें ज्यादातर कॉटन पिकिंग या किसी को भी पिकिंग जो है ना वो जाकर घरेलू खवातीन करती है, लेकिन वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग टाइप की उसमें होगी, और कॉटन की सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज नॉट लाइक, आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ गुड आइडिया। आप कॉटन इसलिए उगा रहे हो अपनी जमीन पे, इतनी जमीन पे उगा रहे हो कि आप अपने खुद के कपड़े बना सको, इतना बड़ा प्रोसेस है उसमें। ज्यादातर आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो मेनली होती है वो खाने पीने की, स्टेपल डाइट जो आपकी है, जो खाने पीने की खुराक देते हैं आपको या आपके एनिमल्स को, उसके लिए होती है। ह्यूमन इनपुट्स में मतलब, ह्यूमन इनपुट्स मतलब आर्टिफिशियल इनपुट्स, नेचुरल इनपुट तो पता है ना कि क्लाइमेट कैसा चाहिए, जमीन कैसी चाहिए, मट्टी कैसी चाहिए। ह्यूमन इनपुट्स में अगर क्लाइमेट रेनफॉल वाला नहीं तो इरिगेशन आप फराम करोगे, फर्टिलाइजर्स आप खुद फराम करोगे, अगर मट्टी लूमी नहीं है तो ठीक है, फिर आपको फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, आपको पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे, स्प्रेस डालने पड़ेंगे कि किसी किस्म के इंसेक्ट अटैक्स ना हो। लसबेला अ न्यू कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन, तो उसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बलूचिस्तान में लसबेला, वहां पर कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट हुए 1998-99 से, ठीक है। व्हाट हार्म्स द कॉटन क्रॉप्स, कॉटन क्रॉप्स को कोई हार्म करने वाली कुछ मिसालें, हर चीज के हवाले से, हर क्रॉप के हवाले से हर पैराग्राफ नहीं दिया हुआ, अब जैसे कॉटन के हवाले से एक ऐसे पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि आपके जो पेस्ट होते हैं सिर्फ वही नहीं है, इंसेक्ट्स वगैरह ही अटैक नहीं करते खाली आपकी क्रॉप पे, बल्कि डिजीजेस जैसे ह्यूमंस को हो सकते हैं वैसे आपके एग्रीकल्चर को भी डिजीजेस हो सकते हैं। जैसे कि कॉटन क्रॉप के अंदर एक डिजीज है लीफ कर्ल का, लीफ कर्ल वायरस जो है ना वो क्या है, वो आपकी कॉटन बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं रखता, और आपके कॉटन का जो एक्चुअली लिंट है वो गिर जाता है आपके सीड में से। लीफ कर्ल को ट्रीट करने के लिए फिर जो है ना जाहिर सी बात है वो रिसर्च होती है, और फिर उस तरह की दवाइयां डाली जाती है ताकि इस तरह के मतलब छोटी उम्र से ही जैसे वैक्सीनेशन की जाती है बच्चों को, तो वैसे ही क्रॉप्स के साथ भी होता है, छोटी उम्र से इनके ऊपर ऐसी डिजीज कंट्रोल वैक्सीनेशन टाइप की दवाइयां डाल दी जाती है कि आगे जाके कुछ स्पेसिफिक बीमारियों में ना मुबतला हो। वेराइटीज ऑफ कॉटन, पाकिस्तान की मतलब मेन वेरायटी पाक, अपलैंड और देसी, ये पुरानी वेराइटीज, और आज की हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है हो सकता है आज तक और जिद्दत आ गई है, बुक पुरानी है, नायाब 78, B557, 149F, ये जो है ना जहाज के नाम नहीं है, ये कॉटन की टाइप्स है। चलो नायाब 78 से तो जहाज नहीं लग रहा था, लेकिन B557 ऐसा लग रहा था कोई एयरक्राफ्ट है, या 149F, बट दीज आर द टाइप्स। फिर शुगर केन, आई एम नॉट गोना स्पीक अबाउट इट, बट इट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाट वी नो अबाउट इट, खरीफ क्रॉप है ये, राइस वाले उसमें आती है, खरीफ क्रॉप्स को ना मानसून मिलता है, मानसून की बारिश मिलती है, उसके बाद अदर क्रॉप्स में मेज आ जाती है। तो आपको यही फिर ह्यूमन इनपुट्स और ज्योग्राफिकल इनपुट्स, क्या टेम्परेचर क्या चाहिए, रेनफॉल क्या चाहिए, सॉइल किस तरह का चाहिए, और ह्यूमन इनपुट्स तो आपको पता है, किसी एक के भी पता हो तो बाकियों के आप समझ सकते हो कि नेचुरल इनपुट्स के अलावा ह्यूमन इनपुट्स में हमें मशीनरी चाहिए होती है, लेबर लगती है, जो कि अगर हार्वेस्ट कर रही है मैनुअली हार्वेस्ट कर रही है तो लेबर लग रहे हैं, वरना मशीनरी लग रहे हैं, फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं, पेस्टिसाइड्स छिड़क रहे हैं हम, तो ये सारे हमारे ह्यूमन इनपुट्स है। सही, मेज, मेज क्या होता है, कॉर्न, तो मेज क्रॉप के हवाले से फिर वही टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, रेनफॉल रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल किस तरह का होना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, लूमी सॉइल लिख दो फिर भी रीड कर लेना, किसी एक आदमी हो सकता है कुछ अलग हो। ये जो है हमारी पल्सेस है, मूंग, माश, ग्राम्स, मसूर, दालें, ठीक है, ये भी क्रॉप्स है, मिलेट्स मतलब बाजरा, एग्जैक्टली, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों भी कहते हैं, इसने अलग अलग लिख दिया, राई, सेसमी, सेसमी मतलब सेसमी सीड कौन से होते हैं, लिनसीड, कैस्टर सीड्स, ये सारे हमारे ऑयल सीड्स हैं, सबसे ऑयल बनता है, तिल से बनता है, तिल्ली का तेल, टोबैको, कौन सी प्रोडक्ट है ये, को मतलब कौन से खरीफ है या टोबैको का देख लेते हैं, टोबैको खरीफ और रबी, रबी टोबैको रबी क्रॉप है, ठीक है, रबी क्रॉप मतलब अक्टूबर नवंबर में सौ की जाती है, मतलब बीज डलता है और अप्रैल मई के महीने तक पहुंच के उसका हार्वेस्ट किया जाता है। टोबैको इज ग्रोन मेनली इन खैबर पख्तूनख्वा, विच अकाउंट फॉर 65% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, टोबैको से सिगरेट्स बनती है, एक्सपोर्ट भी होती होगी, एक्सपोर्ट भी होता होगा टोबैको, इसके अलावा टोबैको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता होगा, अद्वियात के अंदर, दवाइयों के अंदर। फिर फ्रूट फार्मिंग को लेकर बहुत बड़ा एरिया नहीं है, आपके मेन फ्रूट्स जैसे खजूरें, बनानास, ऑरेंजेस, मैंगोज का है, मैंगोज नहीं बताए, हाँ भाई मैंगोज ऐसे ही पूछ लेता हूँ, रबी होगा खरीफ होगा, अच्छा बेटा रबी अक्टूबर नवंबर में सो किया जाता है और निकाला जाता है मई जून में, अप्रैल मई में, हाँ
फिर सही है, फिर रबी हो सकता है, रबी हो सकता है या फिर जायद क्रॉप का हो सकता है। जायद वो होता है रबी के बाद एक छोटा सा सीजन आता है, जायद होता है। मैंगो सीजन, मैंगो एज रबी, ये जब हार्वेस्ट कर रहा होता है उसके बाद मिलता है ना हमें, बिल्कुल पीनट्स की तरह। पीनट्स हमारे अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट हो गए और अब हमें मिलना शुरू हुए, सही। लेकिन ये कह रहे हैं इन एवरी समर ये हमें मिलता है, बट अगेन ये देखो, इस मैंगो अ जायद क्रॉप, पम्पकिंस, ग्राउट्स, मैंगो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज रबी खरीफ और जायद क्रॉप एज मैंगो ट्री इज पेरिनियल विच गिव फ्रूट एवरी ईयर इन समर्स। अच्छा स्पेसिफिकली ये जो है ना, ये क्रॉपिंग थोड़ी है, ये तो ट्री लग गया ना, ऐसा थोड़ी कि क्रॉप लगाई निकाल ली तो पूरा दरख्त बन गया है। एक मिनट, अब किस जोन में क्रॉप लगाई और निकाल ली, ये वाले हिसाब नहीं है फ्रूट फार्मिंग के अंदर। इनके तो दरख्त लगे हुए होते हैं ना, दरख्त हर साल फिर फल देते हैं, तो इनका रबी और खरीफ तो उसके ना क्रॉप प्लांट किए, फिर पूरा क्रॉप निकाल लिए, फिर रीप्लांट कब किए, इसमें ये थोड़ी है। तो दरख्त हो गए के हो गए और हर समर्स के अंदर अपना फल देते हैं, हर चीज में रबी खरीफ नहीं करना होता हमें, सही है। ऐसा थोड़ी करते, जड़ से उखाड़ दिए सारे दरख्त, फिर मशीनों में डाले उन दरख्तों से, मशीनों ने जो है ना मैंगो अलग किए। लाइव स्टॉक फार्मिंग इन पाकिस्तान, शामिलात, लाइव स्टॉक फार्मिंग इन पाकिस्तान, ये थर्ड हमारा एरिया है, ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर हमारे जितने भी कैटल्स हैं, बफलोज हैं, शीप हैं, वो सारे रेस किए जाते हैं। कैसे फार्मर्स कैसे रेस करते हैं अपने कैटल्स को, जमीनों पे चराते हैं, जमीन पे कैटल को लेके चराना, ऐसे कहते हैं ग्रेजिंग, क्या ग्रेजिंग। और बहुत सारे जो है ना लैंड ऐसे होते हैं जो शामिलात में शुमार होते हैं, शामिलात वो होते हैं जानवरों के लिए, मतलब फार्मर्स के लिए वो लैंड जो कॉमनली किसी के ओन्ड नहीं होते, जो भी अपने जानवर लेके जाए वो चराए वहां से, ठीक है। वो हुकूमत की प्रॉपर्टी है, पहाड़ों पे उग रहा होता है, जो सब जमीनों पे उग रहा होता है, जो किसी की है नहीं स्पेसिफिकली, वो वहां पर कोई भी अपने एनिमल्स लेके जाए और ग्रेजिंग करवा दे, ठीक है। लेकिन ओवर ग्रेजिंग का नुकसान क्या है, ओवर ग्रेजिंग मतलब एनिमल्स ज्यादा अगर किसी जमीन से चर जाए उसका नुकसान क्या है। हाँ, ओवर ग्रेजिंग कर जाए माउंटेन्स की तरफ से तो फ्लड आ सकते हैं, बट माउंटेन्स पर वैसे तो इतनी ज्यादा क्रॉप्स होती नहीं है, माउंटेन्स इतने स्लोपी होते हैं वहां पर कुछ उगता नहीं है, बड़े हैवी दरख्त उगते हैं, तो दरख्तों से को पूरा थोड़ी थोड़ी खा जाते हैं कैटल्स। ओवर ग्रेजिंग जमीन पे हो जाती है, जमीन से चर रहे चर रहे इतना चर गए कि जो सैपलिंग्स थे ना छोटे छोटे वो भी खा गए, एक होता है ना बड़े पौधे खाए सैपलिंग्स भी खा गए, तो वहां से जड़ी खत्म हो गई सारी। और ऐसे भी हो सकता है कुछ बड़े शौकीन से कैटल के, हम तो खाते ही जड़ है तो उखाड़ उखाड़ के सिर्फ जड़े खा रहे हैं, तो वो फिर बड़ा मसला है आपके, मतलब आपके सिस्टम के लिए, कि वो रिप्रोडक्शन रुक जाते हैं ना उससे आपके पौधों की। तो ग्रेजिंग भी थोड़ी सी अगर कंट्रोल्ड हो कि एक फार्मर लेके जाए तो वो भी इस चीज का ध्यान रखते हैं कि किसी बड़ी क्रॉप्स पे जाके फार्मिंग कराते हैं, ताकि वो सिस्टम में रहे चीज, एक बड़ी कैजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में फार्मर्स में, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के लिए बहुत नुकसानदेह बन रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक भी किसी के लिए नुकसानदेह बनेगा तो इवेंचुअली दूसरा बंदा समझ जाएगा कि हो क्या रहा है, मेरा पानी जा कहाँ रहा है, और जैसे ही वो फौरन भाप लेते हैं कि मेरे पास पानी नहीं आ रहा है, दूसरी जमीन में पानी आ रहा है, इसका मतलब मेरा पानी कहीं जा रहा है, सही है। तो फिर वो उसको रिसर्च करते हैं और वो अपने उनकी पंचायतों में मामला डिस्कस होता है, और जब पकड़ में आ जाती है ये चीज तो फिर गाँव के अपने बने होते हैं उसूल, और वो उसूल बड़े खतरनाक से होते हैं, उसमें सजाएं भी होती है इनके अपनी, ऐसा है कि पुलिस भी दखल नहीं देती फिर तो उनकी सजाओं में, वो एक अपना उनका ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अपना फार्मिंग का सिस्टम बनाओ, ट्रेडिशन बनाओ, अपना फैमिली सिस्टम बनाओ, सब उनका एक अपना समझ लो कोर्ट कचहरी का हिसाब किताब बना हुआ है, ऑफिशियल कोर्ट्स के अगेंस्ट नहीं लेकिन उनके अपने मामलाते हैं जिसमें गवर्नमेंट वैसे भी इतने डीप लेवल तक पहुंच नहीं सकती, तो वो वही वही सुलझ जाते सारे उनके बुजुर्गों के तरफ। तो आपकी कैटल्स जो है उसको भी वो देख दाख के ग्रेजिंग करवाते हैं, ऐसा नहीं कि अगली नस्लों के लिए तबाही हो जाए, एकदम ओवर ग्रेज करा दे। बहरहाल कैटल्स जहां पर ग्रेजिंग करते हैं तो वो तो कॉमन एरिया भी हो सकता है, प्राइवेट लैंड भी हो सकता है किसी फार्मर का, फार्मर अपनी जमीन पर जितनी ग्रेजिंग कराए और शामिलात में भी करवा रहे हैं तो वो बड़े एक एथिकल तरीके से ग्रेजिंग करवाते हैं यूजुअली, और जो नहीं करवाते तो फिर वहां पर अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते आपस में फार्मर्स को। फिर कैटल्स को रखना एक इज्जतदार शोभा, मतलब एक इज्जतदार इमेज देता है फार्मर्स को, ठीक है। मतलब जिनके पास कैटल्स हैं तो दे आर कंसिडर्ड, जितने अच्छी नस्ल के कैटल्स हैं तो समझो जैसे कि किसी के पास बहुत अच्छी ट्रैक्टर्स है, गाड़ियां हैं, ठीक है ना, वैसे ही कैटल्स भी अच्छी नस्ल के तो सारे उनके इज्जत का सबब बनते हैं, और वो अपनी ब्रीडिंग को भी इसलिए फार्मर्स बाकायदा तौर पर ध्यान देते हैं कि उनकी कैटल फार्मिंग भी अच्छी चलती रहे। और वैसे भी उनका क्या जनरल को जीरो से स्टार्ट थोड़ी कर रहा है, दरिया उनके पास से बह रहा है, जमीन में उनके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं, फिर बाय प्रोडक्ट्स हैं, और फिर कैटल का डंग जो कैटल के खाद है वही यूज करके, उनका सॉलिड वेस्ट यूज करके फिर मजीद फर्टिलाइजर्स भी बना लेते हैं, अपने एनर्जी सोर्सेज बना लेते हैं, ठीक है। मैं अगर मिसाल दूं कि जो चूल्हे पे रोटी बना रही है तो इसके नीचे हो सकता है कि लकड़ी ना जलाई हो सकता है इसके नीचे जला काओ डंग को सुखाया, दीवारों पे सुखाया और उसको नीचे जलाया हो, ठीक है। जैसा कि हमने अगर हम देखें ये इस तरह से ड्राई किया काओ डंग, तो ये जो काओ डंग ड्राई किया है ना वो फिर जलता भी है, काओ डंग फ्यूल, ये दीवारों पे सुखाते हैं फिर इससे, ये देख लो नीचे, देख के नीचे जलाया हुआ है, तो इससे फ्यूल बनाते हैं, तो बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूध मिलता है यार, दूध मिलता है, और दूध भी सरप्लस में हो जाता है, उससे दही, उससे घी बनाते हैं, फिर ये बहुत कुछ बना सकते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग के नोमैडिक भी हो सकती है, नोमैडिक मतलब
जहां खारा पानी दिखा वहां बसेरा डाल दे अपने जानवरों को ले जाके, ठीक है, नोमैडिक लाइफस्टाइल ही होता है। ट्रांस ह्यूमेंस भी हो सकते हैं, ट्रांस ह्यूमेंस भी नोमैडिक जैसा ही होता है लेकिन एग्जैक्टली नोमैडिक नहीं होता। मतलब जब गर्मियां चल रही हो तो अपर रीजन में चले गए, नॉर्दर्न एरियाज में चले गए, और जब वहां सर्दी आ गए तो लोअर रीजन में आ गए। तो ये भी आप शिफ्ट मार रहे हो, लेकिन ये बिकॉज ऑफ सीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ सीजन, सीजनल आप जो है ना ट्रांस वो कर रहे हो, नोमैडिक नोमैडिक लाइफस्टाइल अपना रहे हो। जबकि सो ट्रांस ह्यूमंस हमारा नोमैडिक लाइफस्टाइल से अलग होता है, और बस इसमें फर्क यही है, नोमैडिक लाइफस्टाइल में जब जब जैसे डेजर्ट्स के अंदर होता है थर में कारण में, तो जहां जहां पानी अवेलेबल होता है वहां वहां लेके जाते हैं अपने कैटल्स को, जबकि ट्रांस ह्यूमंस में बिकॉज ऑफ सीजन आप स्विच करते हो, नॉर्दर्न एरिया से साउथ की तरफ आ जाते हो जब सर्दियां होती, बिकॉज इट्स हार्ड टू लिव देयर इन विंटर्स, और फिर साउथ से दोबारा नॉर्थ में जब समर्स होती है। अच्छा जी, फिर सेटल्ड, एक नोमैडिक है, ट्रांस ह्यूमंस है, और एक सेटल्ड है। सेटल्ड डेफिनेटली वाई जब थ्रू आउट द ईयर आपका कैटल सर्वाइव कर सकता है, और वहां आप भी सर्वाइव भी कर सकते हो जाहिर सी बात। तो इंडस प्लेन्स वाले एरियाज है पंजाब और सिंध में, अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन, ठीक है, वहां पर रिवर वाटर भी आसपास लो हो रहा है और पानी की रसाई है, जमीनों में हरियाली है, तो योर यू कैन रेयर कैटल्स, कैटल्स को पालने को कहते हैं रेयरिंग कैटल्स, RER, रेयर, ठीक है, कैटल पालना मतलब रेयरिंग कैटल्स, ये कैटल्स की ब्रीड है, जब ये आगे आएगी तो लिख बनाई भी या रेयरिंग कैटल्स। कैटल्स में आता है गाय बकरे, ओ बकरे नहीं, गाय गाय बैल आता है कैटल्स में, लाइव स्टॉक में सभी आता है, गाय बकरे मुर्गी ऊंट, लाइव स्टॉक फार्मिंग ऑन अ कमर्शियल फार्म। अब लाइव स्टॉक के कितने किस्म के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं यार, प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स, देखो इनपुट्स है लाइव स्टॉक में, इनपुट क्या है आपके, मतलब जाहिर सी बात है मटेरियल जो कैटल है आपकी, उसके अलावा नेचुरल ग्रेजिंग फील्ड जो कि फील्ड है जहां पर वो ग्रेज करते हैं, जहां पर वो चरते हैं अपना फॉर्डर चरते हैं, फॉर्डर मतलब काउ फूड जो भी उनकी खुराक है फॉर्डर कहलाती है। फिर वाटर पॉन्ड से लेक से झीलों से, और पॉन्ड जो है वहां से पानी पीते हैं, ट्यूबवेल से भी पानी पी लेते हैं ओपन, अच्छा लेकिन हाँ इसमें नेचुरल लेबर दोनों, नेचुरल पानी भी शामिल है जो कि नेचुरल पॉन्ड्स वगैरह लेक्स बनते हैं, इसके अलावा ह्यूमन अगर अपने खुद के छोटे पॉन्ड्स बनाए या ट्यूब्स बनाए, ट्यूबवेल्स बनाए, छोटे कुएं बनाए, तो वो ह्यूमन इनपुट में कहलाएगा। फिर ओपन जमीन है जहां पर वो चढ़ सके खुल के, लोग फिर जो के उनमें से मिल्किंग करेंगे या उनको स्लॉटर करके उनका मीट निकालेंगे, उनकी खाल बेचेंगे, ये सारे प्रोसेसेस है। नेचुरल ब्रीडिंग, फीडिंग, मिल्किंग मैनुअली, स्लॉटरिंग, शेयरिंग, शेयरिंग वूल, वूल मतलब चमड़ी, चमड़ी के जो मतलब से बनता है ना वूल, तो शीप, शीप का बनता है वूल एक्चुअली, शीप की चमड़ी का बनता है वूल, वूल सर्दियों के जैकेट बनाने में काम आता है, बड़ा फ्लफी सा होता है, गर्म होता है, शेयरिंग वूल फ्रॉम शीप। अच्छा यहाँ पर वो स्किन स्किनिंग की बात नहीं कर रहा है, शेयरिंग वूल फ्रॉम शीप मतलब आपके जो शीप के ऊपर के बाल जो है ना उसको शेयर करना, मतलब SHEAR, शेयर उधेड़ना या काटना, शेयरिंग शीप, देख रहे हो, या आपको मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड है दुम्बे को गंजा करने के लिए। फिर इस वूल का भी जाहिर अपना काम है, ये वूल भी, इस वूल से भी बनती है चीजें, ये मटेरियल यूज होता है आपके वेयरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, गर्म रखने वाली प्रोडक्ट्स के अंदर। आउटपुट क्या है, वूल मिलता है, मीट मिलता है, अंडे, मतलब सिर्फ कैटल की बात नहीं हो रही ना, पोल्ट्री भी शामिल है इसमें, सही है, और मिल्क, सही है, इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स भी मिलती है जैसे कि काऊ का डंग, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, कैटल डंग, कैटल डंग से फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं मतलब खाद टाइप, और फ्यूल भी बनती है, और कमर्शियल लेवल पे भी अगर लाइव स्टॉक फार्मिंग करें, पिछली वाली तो सब्सिस्टेंस टाइप की लाइव स्टॉक फार्मिंग थी, सब्सिस्टेंस लाइव स्टॉक फार्मिंग कमर्शियल लेवल पे भी होती है, वही ज्यादा स्पेशल लेबर लगे, वेटरनरी फैसिलिटीज हो जो कि हॉस्पिटल टाइप होते हैं जानवरों के, बाकायदा फार्म्स बने हुए हो जिसमें ब्रीडिंग हो रही है प्रॉपरली काउस की, तो वो फिर उसको सेल करते हैं और उनकी बाय प्रोडक्ट्स को भी सेल करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, खुद काउस को सेल करते हैं। हाइड्स किसे कहते हैं, एनिमल हाइड्स, खाले, एनिमल हाइड्स क्या होते हैं, हाइड एंड स्किन, खाल कहलाती है, एनिमल हाइड्स का जानवरों की खाले वो सेल होती है, ठीक है। अब ये कमर्शियल लेवल पे काम है, देख लो सारे कौन सी वो है, ये नस्ल है ऑस्ट्रेलियन। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग से क्या फायदा है, ड्राफ्ट, ये DRAFT भी कहीं पे स्पेलिंग मिलेगी, कहीं पे DRAUGHT भी मिलेगी, ड्राफ्ट पावर मतलब खींचने की पावर, अब पानी जमीन से खींचना हो या फिर जमीन पे हल चलवाना हो, ये सबके लिए काम आते हैं एनिमल्स, ठीक है। और फिर फूड देते हैं, घी, बटर, मिल्क, एग, मीट, एग मतलब वो पोल्ट्री का, दोबारा बार बार बोलना पड़ा है। इसके अलावा आपके लेदर, लेदर मिलता है क्योंकि काऊ की स्किन से लेदर बनता है, काऊ के मिल्क से कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बनती है बहुत सारी, ठीक है, जो डब्बों में पैक होकर बिकते हैं। फिर आपके एक्सपोर्ट भी होती है लाइव स्टॉक से, बहुत सारे जो ये सब कुछ जो निकलता है वो ज्यादा निकल रहा है कमर्शियल लेवल पे, तो वो आप जमा मतलब उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मीट एक्सपोर्ट, काऊ का बीफ एक्सपोर्ट कर सकते हो, बकरे का मटन एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी GDP में इस ये एक्सपोर्ट्स वगैरह की वजह से और जितनी प्रोडक्शन है इसकी वजह से आपके पूरे मुल्क की ग्रोथ पे GDP में बड़ा सपोर्ट करती है लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक के यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसकी डिटेल्स नीचे लिखी हुई है, ठीक है सारी। आपके मुल्क की GDP क्या होती है,
मुल्क के जो पूरा रेवेन्यू, पूरा मुल्क जितना प्रोड्यूस करता है ना, जितनी जितनी वैल्यू का प्रोड्यूस करता है पूरा मुल्क, वो आपके मुल्क की जीडीपी कहलाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरे मुल्क की पूरे साल की कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है? तो उसको मतलब आइस मतलब चैप्टर बाय चैप्टर कहीं ना कहीं वो आपको दिखेगा जरूर, जीडीपी का लफ्ज के बार बार बताता हूँ कि पूरे मुल्क में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, उस मुल्क की जीडीपी में काउंट। मेन लाइव स्टॉक रिसोर्सेस, लाइव स्टॉक के अंदर क्या क्या शामिल है, कैटल, कैटल का मतलब बुल्स और काउस, फिर शीप्स और गोट्स, बफलोस, बफलोस को काउस से अलग रखना, बफलोस जो है वो कैटल से अलग है, ठीक है? और पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब चिकन, बफलोस कैटल से अलग है, कैटल का बीफ जो है ना वो बीफ कहलाता है, बफलोस का बीफ कहलाता है कैरा बीफ। इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कल को आप देखो कि इंडिया बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, अगर कोई बोले तो इंडिया में तो मतलब वो तो स्लॉटर ही नहीं करते काउस को, तो फिर वो बीफ का नहीं, वो कैरा बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का इंडिया, वो उसको अलग रखते हैं, भैंस को अलग, बफलो भैंस जो है उसको अलग रखते हैं काउस, वो कैरा बीफ होता है बफलो का गोश्त। बहरहाल ये काउस की कुछ ब्रीड्स है, भगनारी, धानी, लाल सिंधी, साहीवाली, थरी। ये भगनारी जो है ना, ये सिब्बी है, ये है भगनारी, ये कौन सी होगी बताओ? ये देखा होगा आपने इस तरह के, सर दिस इज भगनारी या आप सिब्बी कह ले, ये कौन सी होगी? थरी, थरपारकर टाइप की, थर की ब्रीड है ये। हाँ लाल सिंधी, ये लाल सिंधी है या पता नहीं साहीवाली, एग्जैक्टली कांट से, ये शायद धानी है, खैर ये तो कुछ लिखी हुई है, ये साहिवाल है, फिर ऊपर लाल सिंधी था, ये पक्की साहिवाल ब्रीड है, और ये तो क्या है, बफलो, ठीक है ना? इन सब में एक हट के ये बफलो, वी एवर एट बफलो, यू मस्ट हैव एट, यू मस्ट हैव ईटन, कहीं ना कहीं बाहर खाया होगा ना, तो बहुत सारा वो जो है ना भैंस का भी गोश्त होता है। एनीवेज ये सारी कैटल्स के हवाले से कुछ आपके वो बताई हुए टाइप्स होता है, बफलोज की भी टाइप्स है, लेकिन मैं इतनी गहराई में नहीं जाना चाह रहा कि बफलोज के टाइप्स भी, जिसमें नीली बार, कुंडी, रावी। अब सही है, अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा लोकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, शीप्स और गोट्स जो है वो उनका मीट और वूल के लिए ज्यादातर रेयर किए जाते हैं, और शीप और गोट्स जो है ना वो ऊंचाई की ऊंचे इलाकों में ज्यादा, जित ऊंचे हो नीचे हो इनको मूव करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि शीप जो है ना वो, शीप हो गोट्स हो, वो बड़े लिखा हुआ है श्योर फुटेड, श्योर फुटेड का मतलब क्या हुआ, इनकी जो ग्रिप है ना पाओ की, वो बड़ी स्ट्रांग होती है, तो पहाड़ों पे भी चढ़ जाता है आराम से। गाय आपको पहाड़ पे चढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे यूजुअली, और वजन बढ़ता जाता है तो और मुश्किल होता जाता है उनके लिए। सही, गाय यूजुअली फ्लैट लैंड्स के लिए, फ्लैट फील्ड्स के लिए वहां पर अच्छी तरीके से रेयर की जा सकती है कैटल्स, जबकि शीप जो है वो पहाड़ी इलाकों में भी चढ़ती है, ठीक है? और शीप में वही गोट्स, बहुत किस्म की, बहुत नस्लों की गोट्स है पाकिस्तान में, शीप भी होंगी। पोल्ट्री चिकन, तो इस चिकन से क्या क्या मिलता है हमें, एग और चिकन, मीट नहीं बोलो, चिकन का गोश्त चिकन ही कहलाता है, ठीक है? चिकन का मीट, अच्छा व्हाइट मीट, मीट बोल रहे हो तो व्हाइट मीट बोल सकते हो उसको। प्रॉब्लम्स ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सेक्टर है, जो पाकिस्तान की लाइव स्टॉक से बहुत ज्यादा जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? लेकिन उसके हवाले से भी प्रॉब्लम्स है, जो कि अगले उसमें चार्ट बना हुआ है पूरा प्रॉब्लम्स का। आपके वेटरनरी हॉस्पिटल्स बहुत कम है, वैक्सीनेशन फैसिलिटीज बहुत कम है, फिर ग्रेजिंग फील्ड्स कम है, ठीक है? क्योंकि आप जो भी उगा रहे हो वो यूजुअली या तो आपकी सब्सिस्टेंस क्रॉप है या कैश क्रॉप है, तो जिसका जो एनिमल है वो अपने एनिमल को तो खुराक पहुंचा दे, लेकिन चलते फिरते जो ग्रेजिंग करने हैं उसकी फील्ड जितनी अवेलेबल कम होती चली आ रही है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, कैटल्स बढ़ती आ रही है, तो ग्रेजिंग ज्यादा ज्यादा होती जा रही है, तो ग्रेजिंग की वजह से ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो छोटे सैपलिंग्स है वो भी अगर खा लेती है लाइव स्टॉक, तो फिर वो ग्रेजिंग फील्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो ये ग्रेजिंग फील्ड का कम होना, ठीक है, अन इरिगेटेड जगहों पे अगर ग्रेजिंग कर ली जाए, मतलब ऐसी जगह जहां पर इरिगेशन के जरिए पानी नहीं पहुंचता, वो बारिश के जरिए पहुंचे तो पहुंचे, वहां पर इरिगेशन नहीं है और वहां पर ग्रेजिंग हो जाए, तो फिर वहां तो वो तो पूरी बंजर हो जाएगी जगह, अगली बारिश में कभी आए तो आए घास फूस वहां पर। फिर फीड महंगा है, एनिमल फीड भी महंगा है, ठीक है? एनिमल फीड, एनिमल फॉडर जो भी जानवरों को खिलाने हैं, वो खुराक अगर महंगी है, फिर कंडीशन जो है ना वो अनहेल्दी अगर एनिमल्स के लिए, वो हाइजीन फैक्टर्स का उनके ख्याल प्रॉपर नहीं रखा जा रहा, अगर फार्मिंग कर रहे हो उनको प्रॉपर फार्म से रख रहे हो, फार्म हाइजेनिक नहीं है तो डिजीजेस फैल सकते हैं, वेटरनरी इतने हॉस्पिटल्स है भी नहीं आपके, ठीक है? और ओपन ग्राउंड में अगर छोड़ दिया आपने, एक जगह कन्फाइन नहीं रखा, बांध के नहीं रखा कैटल, ओपन ग्राउंड में छोड़ दिया, तो वो अपना वजन गिराएंगे, मीट कम होगा उनमें, मतलब वजन गिराएंगे से मतलब मीट नहीं बढ़ेगा उनका ज्यादा, और किसी भी फील्ड में आके खाना शुरू हो जाएंगे, तो बड़े नुकसान, तो बांध के भी रखना पड़ता है, बांध के रखो तो बीमारियां भी हो सकती है एक जगह पर रहे तो बहुत ध्यान देना पड़ता है इनको। प्रिमिटिव ब्रीडिंग मेथड्स, प्रिमिटिव ब्रीडिंग मेथड्स रिजल्ट इन लो क्वालिटी एनिमल्स। प्रिमिटिव ब्रीडिंग मेथड्स मतलब इनको ब्रीडिंग करना, इनको जो भी रिप्रोडक्शन है कैटल की, वो पुराने अगर है, कैटल की नहीं सिर्फ जितना भी लाइव स्टॉक है, पुराने तरीकों से मॉडर्न मेथड्स अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे और पुराने तरीकों से आप ब्रीडिंग कर रहे हो, तो हो सकता है एनिमल क्वालिटी इतनी स्ट्रांग ना हो, क्योंकि वक्त के साथ जिद्दत होती है ना, अगर आप फीड
फीड इनका ऑर्गेनिक यूज नहीं कर रहे, नेचुरल फीड यूज नहीं कर रहे, बाकायदा फीड प्रोसेस्ड फीड यूज कर रहे हो, तो फिर उसके साथ और भी बहुत सारे मॉडर्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर कुछ चीजें आप मॉडर्न अपना रहे हो उनकी खुराक वगैरह और बाकी तरीके मॉडर्न नहीं अपना रहे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मॉडर्न फीड अपना रहे हो लेकिन हाइजीन फैक्टर्स मॉडर्न नहीं है तो हो सकता है डिजीजेज हो जाए। सही है, पुराने तरीके से अगर फीड भी खा रहे मतलब जमीनों पर निकल के ग्रेजिंग कर रहे हैं और जमीनों पर निकलने की वजह से धूप पड़े, कितने किस्म की दूर दराज चल रहे हैं, दरिया में उतर रहे हैं, निकल रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उससे हाइजीन फैक्टर का नेचुरल ख्याल हो रहा है। लेकिन अगर आपने बांध के रखा और वही फीड दिया, एक मॉडर्न टेक्निक है बांध के रखो और वही फीड दो तो गोश्त जल्दी पड़ेगा, तो बांध के रखा वही फीड दिया तो फिर हो सकता है बीमारियां बढ़ने के चांसेस भी हो, तो फिर उसको भी मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करके हाइजीन फैक्टर्स भी तो दो, सफाई सुथराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज मॉडर्न दो दूसरी ना दो, तब भी मसले आ सकते हैं। तो लो क्वालिटी वो पुराने ब्रीडिंग मेथड्स अगर है तो फिर उससे नुकसान हो सकता है आपका, आपकी कैटल बीमार पड़ सकती है। इनसफिशियंट ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी, आपकी क्वालिटी ब्रीडिंग इतनी अच्छी ना हो, मतलब आपके जो जिन ब्रीड्स के आप कैटल्स या जिन ब्रीड्स के आप पोल्ट्री को प्रोड्यूस कर रहे हो वो बाय क्वालिटी भी अच्छे नहीं है, और इसी तरह पुराने मेथड से ब्रीडिंग कर रहे हो तो उनको बीमारियां भी लग रही है और नए मतलब वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी नहीं उनको क्योर करने के लिए। तो सारी बातें मिलती जुलती है, सारे पॉइंट्स। इन एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम, फिर आपका जो दूध निकल रहा है गाय का तो वो उसको भी प्रॉपर मार्केट नहीं किया जा पा रहे, नहीं कर पा रहे, और खासतौर पर बकरियों का दूध तो सेल करने की मार्केट ही नहीं बनी हुई प्रॉपर। तो फिर इस तरीके से जो है ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, और फिर आपके पास अगर उनको प्रिजर्व रखने के मेथड्स भी नहीं है प्रॉपर, अगर बिजली नहीं है और प्रॉपर फ्रिज नहीं है तो वो खराब भी हो सकता है। दूर दराज इलाके देहाती इलाकों में जो है मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, देही इलाके मतलब देहात में, देही इलाकों में मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो शहर तक लेके आना, क्योंकि शहर में असल कंजम्पशन होती है दूध की, वो कितना दूध पी लेंगे, कितना घी बना लेंगे, उनको एक्सपोर्ट करना मतलब एक्सपोर्ट करना है, शहरों में भेजना है देहात से। तो इस पूरे रास्ते के अंदर अगर प्रॉपर प्रिजर्वेशन ना हो, प्रॉपर प्रिजर्वेशन ना होने की वजह से क्या नुकसान है, वो दूध खराब हो सकता है। ठीक है, फिर अगर दूध आ भी जाए तो प्रॉपर अगर वहां से ही कोई जाके लेना भी चाहे तो प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक्स नहीं है। तो बड़े बड़े जो बिग सप्लायर्स है ना वो क्या करते हैं, वो ऐसे तमाम मिल्क मैन्युफैक्चरर्स जो भी लाइव स्टॉक जिनके पास होता है ना उनसे पूरा पूरा दूध अपने मुंह बोले प्राइसेस पर खरीद लेते हैं और यहाँ के हाई प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो फार्मर्स को उनका अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता। सही, फिर प्राइस डिफरेंस, रूरल और अर्बन एरियाज में लाइव स्टॉक के प्राइसेस अलग है। रूरल एरियाज जो देही इलाके हैं वहां पर लाइव स्टॉक के प्राइसेस बहुत कम होते हैं, अर्बन एरियाज में प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो अर्बन एरियाज में जिनकी रसाई है, जो शहरी सतह पर जहां तक पहुंच सकते हैं जो लोग, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है जो रूरल एरियाज में, उनको ज्यादा प्रॉफिट शेयर नहीं मिल पाता क्योंकि उनको पता ही नहीं है मार्केट्स कहाँ का है, या तो कोई सीजन आए जैसे बकरे ईद के सीजन में आके मार्केट्स लगते हैं, ज्यादा एक दूसरे से सुन सुना के अपना लाइव स्टॉक ले आते हैं, उनको फिर इतना पता होता है, लेकिन उसके अलावा थ्रू आउट द ईयर वो क्या करें लाइव स्टॉक का, फिर जाहिर है उसको रेयर ही करते हैं, बड़ा ही करता है, फिर वो सीजन में आके सेल करते हैं। ठीक है, तो काफी सारा लाइव स्टॉक यूं सेल हो जाता है सीजन में अपने। अच्छा, पोल्ट्री को लेकर तो बाकायदा जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म है ना वही मेन कमा रहे होते हैं, ओल्ड मेथड से अगर पोल्ट्री को ग्रो कर रहे हैं।